हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ग्रू टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन बॉस में। तो आज मैं हाजिर हूँ सोशियोलॉजी की बुक नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के साथ, कल्चरल चेंज। इससे पहले हमने पूरा स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। अब हम देख लेते हैं क्या क्या कल्चरल चेंज भी हमें देखने को मिल रहे थे, पूरा ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सीधा पहले इंट्रोडक्शन के साथ चालू करते हैं। हमने हमारे लास्ट चैप्टर में देखा कि जो कॉलोनियलिज्म हुआ था, इससे कैसे हमारा जो इंडिया का सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लेकर आया, पूरे चेंजेस का हमने पढ़ा था। हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन ने कैसे इंडिया के लोगों का पूरे ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था। साथ ही साथ हमने देखा जहाँ पहले लोग सिर्फ खेती किसानी में लगे रहते थे, फील्ड पर काम करते थे, अब वो एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करने लगे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फील्ड से अब शिफ्ट होकर फैक्ट्री तरफ आ गए थे, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत देखने को हमको मिल रहा था। फिर अब सिटीज में लोग रहने लगे थे, जो पहले विलेजेस में बहुत सारे लोग रहा करते थे, मतलब सिटी में लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर कर जा रहे थे। साथ ही साथ फिर हमने देखा कि जो लिविंग और वर्किंग अरेंजमेंट है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो गए, मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज होते हुए दिख रहे थे हमको। लोगों की पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो रही थी, उनका कल्चर हो गया, वो कैसे जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी, उनके नॉर्म्स चेंज हो गए, वैल्यूज़ चेंज हो गई, उनका फैशन चेंज हो गया, पूरी एक बॉडी लैंग्वेज भी उनकी चेंज हो गई थी। इतना ज़्यादा उनका पूरा चेंज हमें देखने को मिल रहा था। अगर हम बात करें हमारे सोशियोलॉजिस्ट की, तो उनका कहना है कि अगर हमें सोशल स्ट्रक्चर को सिंपल वे में बोलें तो एक कंटिन्यू अरेंजमेंट है उन लोगों का जो एक रिलेशनशिप में है, जिसको कौन कंट्रोल करता है, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन है पूरा डिफाइन और कंट्रोल करते हैं उस अरेंजमेंट को जो लोगों के एक रिलेशन के बीच में चल रहा है। और इनका कहना है कि अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर कुल मिला के पैटर्न ऑफ बिहेवियर है या एक नॉर्म है जो सोशली एस्टेब्लिश किया गया है। ये दो एक डेफिनेशन आती है, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको बोर्ड में बहुत हेल्प करेगा। इसके पहले चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे आए कॉलोनियलिज्म के बाद। अब इसमें हम देखते हैं कल्चरल चेंजेस में हमें क्या देखने को मिल रहे थे। स्ट्रक्चर चेंज की पूरी बात हम कर चुके हैं, अब देख लेते हैं कल्चरल चेंज की, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में एक लाइन भी आई थी कि स्ट्रक्चरल चेंज और कल्चरल चेंज ज्यादा दूर तक नहीं रह सकते हैं, आपस में ही थोड़े बहुत इंटरलिंक रहते हैं, तो पूरा वो हम देखेंगे। साथ ही साथ अगर हम इसमें और बात करें आगे की, तो इसमें हम दो डेवलपमेंट देखने वाले हैं, बहुत ही दोनों कॉम्प्लेक्स हैं और कॉलोनियल रूल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उन दोनों में देखने को मिलता है। सबसे पहला हमारा जो आता है वो हमारे 19th सेंचुरी के जो सोशल रिफॉर्मर थे और 20th अर्ली सेंचुरी के हमारे नेशनलिस्ट थे, इन्हें बहुत सारे काम किए थे हमारे यहाँ की जो सोशल प्रैक्टिस थी, जो मतलब इविल सोशल प्रैक्टिस थी, जो बहुत डिस्क्रिमिनेशन करवाती थी वुमेन्स और लोअर कास्ट के लिए, इनके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी, पूरा वो हम आगे देखेंगे। इसका दूसरा हमें देखना है कि इसमें मेनली ये हम देखेंगे कि ऐसे क्या क्या हमारे यहाँ कल्चरल प्रैक्टिसेस में चेंज आ रहे थे, जिनको समझने के लिए टोटल हम 4 प्रोसेस की बात करेंगे। थोड़े बहुत कल्चरल चेंजेस जो एक हाई लेवल पर हमें देखने को मिल रहे थे वो हमारे संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के प्रोसेस से हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको चालू करने से पहले आपको ये समझना भी जरूरी है कि जो संस्कृताइजेशन है ये कोलोनियल रूल के पहले से हमारे यहाँ है, तो ये बिल्कुल हमें नहीं समझना है कि चारों के चारों कोलोनियल रूल के इम्पैक्ट हैं, संस्कृताइजेशन पहले से हमारे यहाँ है। और जो तीसरे हैं ये हमारे कुल मिलाकर हम बात कर सकते हैं संस्कृताइजेशन को छोड़ के, जो हमारे 3 आते हैं मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स एक रिस्पॉन्स है हमारी इंडियन सोसाइटी का जो कॉलोनियल समय में चेंजेस आ रहे थे उस पर, मतलब जो हमारा इम्पैक्ट रहा फिर कॉलोनियल रूल का हमारे ऊपर पूरा एक इन्फ्लुएंस रहा, इन सबके मिलकर कुछ चेंजेस आए हैं जो पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो अब सीधा चालू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। पहले हम पूरा पढ़ेंगे कौन से सोशल रिफॉर्म हमें 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में देखने को मिल रहे थे। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि भाई कॉलोनियलिज्म का कितना ज़्यादा हमारी लाइफ पर एक इम्पैक्ट पड़ रहा था इंडिया में, जितने लोग उस समय थे उनको एकदम बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था कॉलोनियलिज्म का। बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्म थे जो 19th सेंचुरी में इमर्ज होना चालू हुए, मेनली इसके लिए थे कि जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी उसको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे ब्रिटिश के रूल पर, तो इसके अपोज में बहुत सारे रिफॉर्म हमारे यहाँ किए गए थे। क्योंकि ब्रिटिशर कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया में कोई अच्छा चेंज आए, वो तो चाहते थे कि इंडिया वाले आपस में ही लड़ते रहें, इनमें कभी यूनिटी ना आए, ये अपने पुरानी चीज़ों में पड़े रहें ताकि ब्रिटिशर अपना पूरा इंडिया को लूटने का काम जारी कर सके, तो इन्हें किया। तो मेनली आपने पढ़ा होगा हम बहुत सारे सोशल इवेल की इंडिया में बात करते हैं, जैसे सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो री मैरिज हो गया, उसके बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये हमारे सुनने में आता रहता है हमारे यहाँ। मतलब कुल मिला के बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल देखने को मिलती हैं पहले के समय में जो बिल्कुल सही नहीं थी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज करके आप सबने सुना ही होगा, ये मेनली हुआ। तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसके पीछे बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे थे, और ऐसा नहीं था कि कॉलोनियलिज्म के बाद ही रिफॉर्म आ रहे थे, पहले भी बहुत सारे रिफॉर्म आ रहे थे। जैसे कि अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, भक्ति और सूफी मूवमेंट की बात करें, तो इनका तो मेन एम ही था कि ये डिस्क्रिमिनेशन को मिटाना, इन्हें सोशल वाले। लेकिन मेनली अगर 19th सेंचुरी की बात हम करते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक अलग वे में पूरा एक रिफॉर्म हो रहा था,
यहाँ पर हमारे जो मॉडर्न टेक्स्ट है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट जो पूरा चल रहा है, इसको देखा गया, और हमारे जो पुराने आइडिया थे, हमारे पुराने ट्रेडिशन है, इन दोनों को देखकर एक मिक्स आइडिया सामने लाया गया। मतलब हमारी जो पुरानी लिटरेचर है उसको एक नए तरीके से पढ़ा गया, नए तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया, साथ ही साथ जो वेस्टर्न लिबरलिज्म के आइडिया है इनको उसके साथ मिक्स कर दिया गया। तो यह हमें पूरा एक नया एक कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था, जहां पर हमारे मॉडर्न टेक्स्ट हो गए, मॉडर्न चीजें हो गई उनको भी देखा जा रहा था, और हमारी ओल्ड लिटरेचर हो गई उसको भी एक नए तरीके से देखा जा रहा था, और इन दोनों को मिक्स किया जा रहा था। तो ये चीज हमारे सामने आती है। तो जैसे अगर आपको एक बॉक्स बता दूं, मिक्स ऑफ आइडियाज, इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। हमारे राजा राम मोहन रॉय जिन्हें सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी, इनने मेनली अपनी अपील जो करी थी वो ह्यूमैनिटेरियन नेचुरल राइट डॉक्ट्रिन और हिंदू शास्त्र के वे में करी थी। इनने हमारे शास्त्रों से हमको बताया था कि कैसे सती प्रथा गलत है। मतलब कुल मिलाकर हमारी ओल्ड टेक्स्ट हो गए और मॉडर्न जो चीजें हो गई उनको मिलाकर इनने अपनी बात रखी थी। फिर रनाडे की जो राइटिंग थी ये मेनली क्या करती थी, हमारे हिंदू लॉ को दर्शाती थी, साथ साथ जो अगर विडोज की रीमैरिज की बात करें तो हमारे अलाउड नहीं था, तो ये हमें बताते थे कैसे हमारी वैदिक अथॉरिटीज में, हमारे शास्त्रों में ही ये सब चीजों की अनुमति दी गई है। मतलब वहां हमें पूरे बताया गया कि एक विडो की भी रीमैरिज करी जा सकती है। मतलब ये हमें हमारे लिटरेचर को एक सही वे में हमारे सामने लेकर आते थे, क्योंकि समय के साथ हमारी लिटरेचर भी एक बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट होकर हमारे सामने आई थी। तो इनका हुआ था। तो न्यू एजुकेशन की बात करें तो बिल्कुल मॉडर्नाइजिंग और लिबरल वे में हमारे सामने आती थी। अब हमारे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के जितने भी कोर्सेज होते थे, ये यूरोपियन रेनाइसेंस हो गया या फिर वहाँ के रिफॉर्मेशन हो गए, वहाँ के इनलाइटमेंट हो गए, इनके बेसिस पर होते थे। मतलब मेनली अब जो थीम थी हमारी पढ़ाई लिखाई की वो भी चेंज हो रही थी, अब सेकुलर लिबरल ह्यूमनिस्टिक सोच वाली चीजें हमको ज्यादा पढ़ाई जा रही थी। मतलब पूरा मॉडर्न एजुकेशन हमको देखने को मिल रहा था। फिर इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने हमारा इंटरप्रिटेशन जो इस्लाम का किया, यहाँ पर इनने एक बहुत बड़ा फोकस किया था वैलिडिटी ऑफ फ्री इंक्वायरी, इस्तिहाद जिसको हम बोलते हैं। इसका सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको टर्म में बताऊं, पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आपको बोर्ड में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि आपकी बुक में ही अगर कोई चीज पूरी क्लियर दी है तो वो नहीं आती, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जैसे मेनली अगर हम मुस्लिम एक कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अगर डिसीजन लिए जाते हैं तो इसे मेनली कुरान को फोकस किया जाता है कि भाई कुरान में क्या सोल्यूशन दिए हुए हैं इस चीज के। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब कुरान में आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, कोई मॉडर्न प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पर जो जज होते हैं कोई ऐसे जन होते हैं जिनको बहुत अच्छे से नॉलेज है पूरे मुस्लिम टेक्स्ट का, तो वो अपनी खुद की सोच से भी डिसीजन ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इस्तिहाद, मतलब वो कुरान को भी थोड़ा मॉडिफाई करके अपने एक रैशनल सोच लगा के उसको कुछ सही कर सकते हैं। तो ये होता था, इनकी बात इनने करी थी हमारे सैयद अहमद खान ने, और इनने ये भी बताया था कि कुरान में और जो हमारी मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी हो रही है तो कितना बड़ा एक रिलेशन है, इन्हें एक रिलेशन सेटअप करने की कोशिश करी। फिर इसके बाद कांडुकरी जो कि एक राइटर थे, इनका जो पूरा एक टेक्स्ट था द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, इन्हें यहाँ पर पूरा अपनी फेमिलियरिटी को रिफ्लेक्ट किया नव न्याय लॉजिक से। ये एक इंडियन लॉजिक है एजुकेशन का, ये आप गूगल पर देख सकते हैं, अपने कोर्स करने इसलिए इसको एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है। इनने मेनली ये किया। फिर साथ ही जूलियस हक्सले एक ये बहुत अच्छे राइटर थे, इनकी जो भी टेक्स्ट थे इनको भी इन्हें ट्रांसलेट करने का काम किया। ये दो काम इनने किए थे, इन्हें पूरा बताया था कि नव्य न्याय लॉजिक से कैसे पूरी फेमिलैरिटी है उसको इन्हें पूरा रिफ्लेक्ट किया, फिर साथ ही ट्रांसलेशन का वर्क भी पूरी तरीके से कर रहे थे। एक छोटा सा बॉक्स हमारे सामने आता है। इसके बाद अगर हम बात करें सोशियोलॉजिस्ट सतीश सबरेवाल की, इनने कहा था कि कॉलोनियलिज्म के पीरियड में इंडिया में जितने भी मॉडर्न चेंजेस आ रहे हैं अगर इसको ओवरऑल हम देखें तो बेसिकली तीन चीजों के कारण आ रहे हैं जो इनने बताई थी, तीन एक्सपेक्ट इनने में बताए थे। पहला इनने बोला था कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के कारण हो रहा है, दूसरा इनने बोला था कि जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ हो रहे हैं, साथ ही इनने बोला था द नेचर ऑफ आइडियाज, इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं, इनने बात करी थी। इनने मेनली बोला था कि भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमारा कम्युनिकेशन बढ़ते जा रहा है, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, फिर माइक्रोफोन आ गया, लोगों का मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट बढ़ गया एकदम से स्टीमशिप और रेलवे की वजह से, तो क्विक मूवमेंट होने लगा। जब क्विक मूवमेंट होता है तो आइडियाज भी बहुत जल्दी जल्दी शेयर होते हैं और नए आइडियाज इवॉल्व होते हैं। अगर दो बहुत हाई थिंकिंग वाले लोग हैं, अब ये अपनी सोच में अलग है, इंडिया में कहीं अपनी सोच में अलग है, लेकिन इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, आपस में इनको बात करने का मौका मिले, इन लोगों के ग्रुप्स को आपस में बात करने का मौका मिले, तो नए आइडिया भी इमर्ज होते हैं और एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन होता है। तो यह मूवमेंट की वजह से बहुत आसान हो गया था। जैसे सोशल रिफॉर्मर की अगर बात करें तो पंजाब और बंगाल के जो थे वो अपने आइडिया किसके साथ अब शेयर करते थे, मद्रास और महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर के साथ। ये पूरा इसलिए हुआ क्योंकि अब कम्युनिकेशन बढ़ चुका था। साथ ही साथ अगर हम बात करें केशव चंद्र सेन, ये एक बहुत अच्छे फिलोसफर थे, इनने मद्रास को विजिट किया 1864 में।
फिर पंडिता रामाबाई की बात करें, ये हमारी एक एक्टिविस्ट थी, इनने पूरे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर में ट्रेवल किया, मतलब कुल मिलाकर पूरे इंडिया में इन लोग अपनी बातें पहुंचा पा रहे थे, लोगों से मिल पा रहे थे। कई जन तो हमारे यहाँ के रिफॉर्मर हो गए, एक्टिविस्ट हो गए, दूसरी कंट्री भी गए। फिर क्रिश्चियन बहुत सारी मिशनरी थी जो हमारे बहुत रिमोट कॉर्नर्स में भी आ रही थी, जैसे नागालैंड, आज के समय की बात करें तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे भी जगह भी क्रिश्चियन हमारी मिशनरी हमें देखने को मिल रही थी। तो एक अच्छी चीज हमारे साथ हो रही थी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो मॉडर्न है वो सेटअप हो रहे थे, जैसे ब्राह्मो समाज हो गया बंगाल में, आर्य समाज पंजाब में, ये बहुत सेटअप होने लगे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस अंजुमन ए खातिन ए इस्लाम फाउंड हुआ था 1914 में, मतलब कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रहे थे। और इंडिया के जितने भी रिफॉर्मर्स थे अभी डिबेट करते थे, सिर्फ पब्लिक मीटिंग में नहीं, ये न्यूज़पेपर के जरिए, जर्नल्स के जरिए भी डिबेट करते थे, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते थे, मतलब एक खुलकर अब पूरा काम होने लगा था। उसके बाद बहुत सारी ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स की राइटिंग्स हैं जिन्हें इंडिया की लैंग्वेज में अब ट्रांसलेट किया जा रहा था, अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो रहा था, इसमें सब पढ़ सके, सब समझ सके, फिर उनको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा था। तो ये बहुत एक अच्छी चीज हो रही थी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि विष्णु शास्त्री ने मराठी ट्रांसलेशन विद्यासागर बुक का, एक मराठी ट्रांसलेशन जो था वो हिंदू प्रकाश में 1868 में पब्लिश किया था। मतलब विष्णु शास्त्री को अगर हम ऐसा बोलते सिंपल कि इन तो विद्यासागर की बुक अच्छी लगी, तो उसका इन्होंने मराठी ट्रांसलेशन किया, हिंदू प्रकाश में पब्लिश कर दिया। मतलब कुल मिला के अलग अलग लैंग्वेज में चीजें पब्लिश हो रही थी, तो अपने आप में बहुत अच्छी चीजें 1868 में हुई, ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ लिबरलिज्म, फ्रीडम के बहुत सारे नए आइडिया हमारे सामने आए थे, होम मेकिंग, मैरिज के नए आइडिया आ गए, अब मदर और डॉटर का रोल क्या होता है उसके नए आइडिया आ गए, सेल्फ कॉन्शियस प्राइड क्या होती है, कल्चर क्या होता है, ट्रेडिशन क्या होता है, ये नए आइडिया आए, नई नई चीजें इमर्ज हुई, मतलब पूरे नए आइडियाज हमें आ रहे थे। अब एजुकेशन की वैल्यू एकदम से बढ़ती जा रही थी, अब ये हमें समझ में आ गया था कि भाई अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो इन्हें मॉडर्न तरीके से एजुकेशन देना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो एंशियंट हेरिटेज है उसको भी हमें संभाल कर रखना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर मॉडर्न और ट्रेडिशन का एक मिक्स लेकर हमें सामने आना पड़ेगा। हमारी फीमेल एजुकेशन की बात एकदम अब डिबेट में आ चुकी थी कि भाई उनका बहुत जरूरी है एजुकेशन देना फीमेल को। सबसे बड़ी चीज आती ज्योतिबा फूले ने हमारा पहला एक फर्स्ट स्कूल ओपन किया था विमेन का पुणे में, याद रखिएगा, एक सोशल रिफॉर्मर थी, इनके बारे में हमने पुरानी बुक में भी पढ़ा है, फर्स्ट बुक पर ज्योतिबा फूले का नाम आता है। तो कुल मिलाकर हमें समझ में आता है कि अब बहुत ज्यादा विमेन के एजुकेशन की बात चल रही थी। हमारे बहुत सारे रिफॉर्मर ने बोला कि अगर हमें हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री का प्रोग्रेस चाहिए तो हमें विमेन को एजुकेट करना ही पड़ेगा, मतलब एक अब रिस्पेक्ट की बात आ रही थी। साथ ही साथ अब ये आ रहा था कि भाई एक इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है, विमेन को फुल रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है, तो एक अच्छी चीज सामने आ रही थी। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हमारे प्री मॉडर्न इंडिया में भी विमेन को पढ़ने की आजादी थी, पर अब फिर से पुरानी बातों को आगे लाया जा रहा था। फिर कई लोगों ने बोला ऐसा नहीं है, सिर्फ जो प्रिविलेज्ड वुमेन थी उनको पढ़ाने का मौका मिलता था, मतलब कुल मिलाकर सब इनडायरेक्ट वे में ये बात कर रहे थे कि इंडिया में पहले समय भी पढ़ाई का मौका वुमेन को दिया जाता था। कई लोग बोलते थे सबको मिलता था, कई लोग बोलते थे सिर्फ जो हाई प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको मिला था, लेकिन इनडायरेक्टली बात एक ही होती थी कि सबको एजुकेशन का राइट मिल रहा था। तो मेनली यही बात करी गई कि कैसे वुमेन के एजुकेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, पूरे इनके एजुकेशन की बात करी गई, और बहुत सारे ट्रेडिशन मॉडर्निटी पर डिबेट होती थी कि भाई क्या होती हैं चीजें, क्यों हम इन नए आइडियाज को प्रमोट करें या इनको रोकें, पूरी डिबेट हमें देखने को मिलती थी। अगर सिंपल बात करें हमारी ज्योतिबा फूले जो थी ये प्री आर्यन एज का बहुत ग्लोरी बताती थी, लेकिन अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो ये आर्यन एज की ग्लोरी बताते थे, मतलब कोई पास्ट की बात कर रहा है, कोई प्रेजेंट की बात कर रहा है, कोई थोड़े से पीछे की बात कर रहा है, लेकिन सबका मकसद एक ही होता था कि एक बेटर इंडिया हमारे सामने आए, एक बेटर सोसाइटी हमारे सामने आए। तो मतलब अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की पूरी, तो यहाँ के जो रिफॉर्म हुए ये मेनली एक हमारा ऐसा पीरियड आप बोल सकते हो जो क्वेश्चनिंग का पीरियड था, री इंटरप्रिटेशन का पीरियड था, और कुल मिलाकर इंटेलेक्चुअल सोशल ग्रोथ हमको देखने को मिल रही थी। अब इसके बाद एक और चीज हमारे सामने हो रही थी, आ रही थी कि अगर हम बात करें पूरे सोशल रिफॉर्म की तो इनकी कहीं ना कहीं थीम आप बोल सकते हो कॉमन थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इनमें थे। जैसे कि अगर बात करें कुछ रिफॉर्म अगर हो रहे थे तो मेनली वो गाय के लिए हो रहे थे, जो अपर क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास वुमेन है और मैन लोग हैं, इन लोगों को जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी उनके लिए हो रही थी, मतलब कुल मिलाकर अपर क्लास और मिडिल क्लास के लिए बात करी जा रही थी, जो अपर कास्ट के लोगों को है, मिडिल क्लास के लोग है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रिफॉर्म की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर भी हो रहा था, जो लो क्लास कास्ट के लोग होते हैं, जिन लोगों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी उनके लिए, अनजस्टिस जो उनका हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठ रही थी, मतलब अलग अलग बात कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि जितने भी इविल चीजें हो रही हैं मेनली इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारा हिंदुइज्म है इसकी पूरे एक ट्रू स्पिरिट का डिक्लाइन हो गया है। तो कई लोगों का कहना है कि मेनली अगर डिफरेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसकी पूरी पूरी जड़ ही हमारा रिलीजन आ जाता है। मतलब कोई बोल रहा था कि अगर हम एक रिलीजन को सुधारते हैं तो पूरी चीजें सही हो जाएंगी, तो कोई बोल रहा था कि रिलीजन ही जड़ होता है पूरी इन चीजों का।
तो ये हमें अलग एक समझ में आ रहा था। फिर इसके बाद बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर है उन्हें भी डिबेट किया पॉलीगैमी और पर्दा पर। पर्दा सिस्टम आपको पता होगा, पॉलीगैमी आपने हिस्ट्री पढ़ा है कि जब कोई की एक से ज्यादा वाइफ या हस्बैंड होते हैं तो उसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं। इस पर हुआ था, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक रिजोल्यूशन था हमारा जो ये पॉलीगैमी का इवेल है, ये हमारे प्रपोज किसने किया था, जहां नारा शाह नवाज ने किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस में। इनने ये पूरा कहा था कि द काइंड ऑफ पॉलीगैमी विच प्रैक्टिस बाय सर्टेन सेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स, जो एक पॉलीगैमी की प्रथा अलग काइंड की एक जो पूरी चलाई जा रही है हमारे बहुत सारे सेक्शन में मुस्लिम की, ये पूरे कुरान की ट्रू स्पिरिट से अलग है। ये गलत तरीके से पूरा एक पॉलीगैमी को लिया जा रहा है। और विमेन को हमें एजुकेट करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि इनको अपने एक्सरसाइज करना चाहिए पावर को, और इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए आवाज उठाना चाहिए, ये इनने पूरा बोला था। उसके बाद जो ये रिजोल्यूशन था पॉलीगैमी को कंडेम करने के लिए, इस पर बहुत सारी डिबेट हुई मुस्लिम प्रेस में। फिर हमारी तहसीब निसाम एक जर्नल बुक है, इस जर्नल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। इन्हें मेनली बोला था कि मतलब पंजाब की है ये, विमेन लोगों के लिए एक आती थी एक जर्नल थी, इसने पूरा बोला कि हाँ बिल्कुल सही है पॉलीगैमी पर इन्हें आवाज उठाई थी। लेकिन बाकी कोई भी और जर्नल का सपोर्ट इनको नहीं मिला था, ये मात्र एक रह गए थे। इसके बाद बहुत सारी चीजें अलग आ रही थी, जैसे कि अगर हम बात करें हमारी क्या बोलते हैं ब्राह्मो समाज की, तो ये सीधे सीधे सती को अपोज करता था, सती प्रथा को बिल्कुल अपोज इसने कर दिया था। लेकिन ये सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बात थी। जैसे अब हम बात करें जो हमारी हिंदू कम्युनिटी के ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी सोच वाले मेंबर थे, इन लोगों का कहना था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है इन लोग काम नहीं सही कर रहे हैं। तो इन्हें खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई धर्म सभा, और इन्हें एक पेटिशन साइन किया जहां पर इन्हें ब्रिटिशरों से बोला कि यहाँ के जितने भी रिफॉर्मर हैं इनको कोई भी हक नहीं है कि हमारी जो हिंदू समाज के हमारे सेक्रेट टेक्स्ट हैं पुराने टेक्स्ट उनमें कोई भी चेंजेस कर सके या उनको फिर से अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सके। मतलब सीधे अपोज कर रहे थे पूरे रिफॉर्म को, तो अलग चीजें आई। तो इससे हमें एक अलग व्यू ये भी देखने को मिलता है कि दलित लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया था इस आवाज को जो हिंदू लोग उठा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है भाई, दलित लोग इतने परेशान थे, अगर उन लोगों के लिए कोई चीज सही हो रही तो वो क्यों अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, और जब हिंदू लोगों को अपोज करेंगे तो बिल्कुल साइड हो जाएंगे। तो ये कई बहुत सारे दलित थे जिन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था, हिंदू साइड का रिजेक्ट कर दिया था। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके मुझे मुक्ता भाई, जो 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है फूले के स्कूल में, हमारे जो फूले जी का स्कूल खुला था वहां पर 1852 में, उन्होंने लिखा है कि लेट दैट रिलीजन वेयर ओनली वन पर्सन इज प्रिविलेज्ड, कोई भी ऐसा रिलीजन जहां पर कुछ एक कैटेगरी के लोगों को ऊपर उठाया जाता है, एंड रेस्ट आर डिप्राइव्ड पेरिश फ्रॉम दिस अर्थ, ऐसे रिलीजन को बिल्कुल हमें अर्थ से हटा देना चाहिए जो एक ही एक किसी को बढ़ावा देता है, एंड लेट इट नेवर एंटर आवर माइंड्स टू बी प्राउड ऑफ सच रिलीजन, ऐसे रिलीजन को हमें दिमाग में भी हमें नहीं आना देना चाहिए और बिल्कुल प्राउड फील नहीं करना चाहिए अगर ऐसा कोई रिलीजन है उस पर। तो इनकी पूरी आवाज आई थी, आपको देखने मिल रहा होगा कैसी अलग अलग तरीके से आवाज उठ रही थी। अब इसके सीधे बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पर। तो जो हमारा सेकेंड टॉपिक आता है वो है हाउ डू वी अप्रोच द स्टडी ऑफ संस्कृताइजेशन मॉडर्नाइजेशन सेकुलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हम चार पूरे प्रोसेस देखेंगे कि इसने इंडिया को किस तरीके से चेंज किया। जैसा कि इसमें यही दिया हुआ है कि इन दिस चैप्टर ईच ऑफ द फोर कॉन्सेप्ट नेमली ये चारों नाम आते हैं, ये अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से डील कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक अलग ही टाइप का पूरा एक नेशन रहा है, मतलब हमारे यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें हुई हैं, तो वो इसमें भी होता है। मेनली जब हम इसको पढ़ेंगे ये चारों प्रोसेस को, तो हमें देखने को मिलेगा कि कई बार ये बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन में हुए, कई बार ये साथ में हुए, कई बार एक दूसरे को इन्हें ओवरलैप किया है, और कई जगहों पर इनका अलग अलग मीनिंग निकल के आएगा। मतलब ओवरऑल हमें समझ में आएगा कि कई बार ये साथ में भी चलते हैं, कई बार ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कई बार ये साथ में भी चलते हैं लेकिन इनके अलग मीनिंग हो जाते हैं। तो पूरा हम इसमें देखेंगे, ये हर सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। और हमें ये बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करेगी चीज की ये हमारे इंडिया में अगर कोई एक इंसान है वो किसी तरीके से मॉडर्न हो सकता है तो किसी तरीके से ट्रेडिशनल भी हो सकता है। मतलब क्या पता आपको मॉडर्नाइजेशन की कोई चीज अच्छी लगी हो तो आपने उसको अपना लिया हो, लेकिन आपको अपने ट्रेडिशन की कोई अच्छी चीज लगी हो तो आपने उसको भी अपना लिया हो। तो एक प्रकार से आप कहीं एंगल में मॉडर्न भी हो गए, किसी एक एंगल में आप ट्रेडिशनल भी हो गए। तो मतलब कुल मिला के कोएग्जिस्ट करते हैं। मतलब कुल मिला के इंडिया में अगर आप मेनली देखोगे और कोई भी नॉन वेस्टर्न कंट्री में देखोगे तो वहाँ के कल्चर में मेनली आपको यही देखने को मिलेगा कि हम मॉडर्न भी रहते हैं किसी किसी तरीके से, और किसी किसी तरीके से हम ट्रेडिशनल रहते हैं, ये इसमें आता है। लेकिन आपको पता है सोशियोलॉजी में कभी भी हम नेचुरलिस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रखते हैं, सोशियोलॉजी में हम पूरा एक डीप में घुसते हैं। नेचुरलिस्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब सिंपल मीनिंग होता है कि सोशल टाइप के जितने चेंजेस आ रहे हैं और नेचर में जितने चेंजेस आते हैं इनमें कोई अंतर नहीं है। पर सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है, हमें पूरी डिटेल में घुसते हैं कि अगर कोई चेंज आया तो क्यों आया, क्या रीजन थे उसके पीछे, हमने कैसे तरीके से क्या चीज़ों को इंटरप्रेट किया, तो पूरा हम देखेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पैराडॉक्स की बात करी थी कि कॉलोनियल जो मॉडर्निटी आ रही थी उसमें पूरे पैराडॉक्स देखने को मिल रहे, तो यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं।
हमारे इंडिया में जैसे ही कॉलोनियलिज्म आया तो हमारी जो मिडिल क्लास है उनको एकदम से एजुकेशन का मौका मिला, इंग्लिश लाइफ स्टाइल को देखने का मौका मिला। हमारे जितने भी लोग थे उन लोगों ने जो वेस्टर्न इन्लाइटमेंट होता है, लिबरल डेमोक्रेसी होता है, फिर कुल मिला के इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करी, इन लोगों के थिंकरों के बारे में पढ़ाई करी, तो इनने इंडिया को एक प्रोग्रेसिव और लिबरल वे में देखना चालू किया। फिर इनको समझ में आया कि यार इंडिया में ये इतना अच्छा अच्छा एक साइड हो गया वेस्टर्न साइड, लेकिन इन वेस्टर्न लोगों की वजह से ही आज इंडिया में इतनी परेशानी में ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। तो एक तरफ से इनको वेस्टर्न सोच अच्छी तो लगी, लेकिन दूसरी तरफ इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ब्रिटिशरों को अपने सामने देख रहे थे, जो कि जिन लोगों ने इन पूरी वेस्टर्नाइजेशन को जन्म दिया हुआ है। तो इनने फिर बोला कि नहीं भाई, हमें हमारे ट्रेडिशन पर प्राइड है, हमारा जो ट्रेडिशन लर्निंग है वो बहुत सबसे सटीक है। तो आपको यहाँ पर एक पैराडॉक्स देखने को मिलता होगा, यही चीज पूरी हमने 19वीं सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट में भी देखा है। तो ये होता है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मॉडर्निटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन डेफिनेशन बस नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा देखेंगे कि कैसे रीथिंकिंग हो रही थी, इंटरप्रिटेशन हो रहा था हमारे ट्रेडिशन का, पूरा हम देखने वाले हैं। कल्चर और ट्रेडिशन एक लिविंग एंटिटीज होती हैं, ये मॉडिफाई होती है समय के साथ, हम इनको सीखते हैं, इनको देखते हैं और समय के साथ इनको मॉडिफाई करते हैं, तो ये पूरा हम देखते हैं। इसका एक एग्जांपल हो गया, अगर आप सारी का एग्जांपल ले लें, जैन सेम का एग्जांपल ले लें, या सरोंग का एग्जांपल ले लें, इंडिया में जो आज भी लोग पहनते हैं, बेसिकली साड़ी ट्रेडिशनल वे में क्या होती थी, एक लूज अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लोथ होता था जो अलग अलग रिलीजन के लोग पहना करते थे। लेकिन अगर मॉडर्न वे में हम साड़ी की बात करें, तो आजकल जो वेमेन साड़ी पहनती है ये हमारी ट्रेडिशनल साड़ी और जो वेस्टर्न पेटीकोट और ब्लाउज है, इसका एक कॉम्बिनेशन आ गया है, पूरा एक चीज चेंज हो गया, मतलब मॉडर्न वे और ट्रेडिशन वे को जोड़कर एक चीज हम सामने लाए। तो एक बहुत अच्छा खासा हमारे सामने एग्जाम्पल आता है। फिर इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में आप सबको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रक्चर और कल्चर डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो इससे समझ में आता है कि जब हम ये चार चीजों के बारे में पढ़ने वाले, चार कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान को इसका ऐसा फर्क पड़ा तो इंडिया में दूसरे इंसान को भी इसका सेम फर्क पड़ेगा। हमारे ट्रेडिशन अलग अलग हैं, लोग अलग तरीके, तो हर ग्रुप में हमें देखने को मिलेगा कि हर ग्रुप में अलग अलग अंतर पड़ रहा था, और कई बार पड़ भी नहीं रहा था कई ग्रुप को अंतर, ये पूरा हम इसमें देखेंगे, ये डिफरेंसेस हम देखेंगे। लेकिन मेनली आपकी बुक आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर रही है कि भाई बुक में पेजेस इतने सारे हम लोग ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, एक चैप्टर को बहुत बड़ा नहीं बना सकते हैं, तो आपके एनसीईआरटी ने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, आप आजू बाजू खुद देखिए कि लोगों में कैसे वेस्टर्नाइजेशन की वजह से अलग अलग अंतर देखने को मिल रहा है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से कैसे अलग अलग अंतर देखने को मिल रहा है। बुक में तो आपको ये भी बोला गया कि अरे आप अलग अलग कल्चर को छोड़ो, आपको एक ही क्लास के अलग अलग मैन वेमेन में उन्हीं के अंदर बहुत सारा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, एक ही कम्युनिटी में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हर तरीके हर जन अलग तरीके से डील करता है ये कॉन्सेप्ट को। तो ये पूरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम संस्कृताइजेशन को पढ़ने वाले, इसका सिंपल रीजन ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया संस्कृताइजेशन हमारे यहाँ प्री कॉलोनियलिज्म के समय से, मतलब कॉलोनियलिज्म जब हमारे यहाँ था भी नहीं तब से इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है हमें पढ़ना। और इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि जैसे ही कॉलोनियलिज्म हमारे यहाँ आया, तो बाकी जो तीन चैलेंजेस हमारे सामने थे, इनने हमारे इंडिया के लोगों को सीधे वेस्टर्न आइडियाज से रूबरू करा दिया, लोगों को फ्रीडम पता चली, राइट्स पता चले, मॉडर्न वैल्यू मालूम चली। तो इसके बाद लोगों को समझ में आया कि जो वेस्टर्न रूल है कितना गंदा है, उनको मतलब उन्हीं एक ऐसा बोल सकते हैं वेस्टर्न लोगों को उन्हीं के हाथ से उनको खुद को तमाचा पड़ गया था। लोगों को ने पढ़ाया तो लोगों को समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट कितनी होती है राइट्स, अपनी फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो लोगों ने ब्रिटिशर के खिलाफ ही आवाज उठाना चालू कर दिया था। तो ये पूरा हम इसमें देखेंगे। फिर लोगों की इसी के चक्कर में डिजायर आ गई कि कैसे अपने ट्रेडिशनल पास्ट को और अपने हेरिटेज को वापस से जिंदा कर सकते हैं, कैसे उसका सम्मान कर सकते हैं, पूरा हमें देखेंगे। तो हम पूरा पढ़ेंगे, संस्कृताइजेशन पढ़ेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे ब्रिटिशरों की तरफ हमारा कैसा एक ओपिनियन फॉर्म हुआ और खुद की तरफ भी एक कैसा ओपिनियन फॉर्म हुआ। तो सीधा अब इसको भी चालू करते हैं। तो जो अब हमारा टॉपिक आता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल चेंज, हम पूरे चेंजेस को बारी बारी करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे सामने आता है संस्कृताइजेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा ये ब्रिटिश पीरियड के पहले से है, इसलिए इसको पहले पढ़ना बनता है। तो हमने इसके बारे में फर्स्ट बुक में पढ़ा था, आप सभी को याद होगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको संस्कृताइजेशन एक्सप्लेन किया था। ये M.N. श्रीनिवास द्वारा पूरा कॉइन किया गया, मतलब इनने इसको डेवलप किया इस टर्म को। इनका कहना है अगर सिंपल भाषा में हम समझाएं तो संस्कृताइजेशन मतलब ये होता है कि जब लो कास्ट वाले जो लोग होते हैं, वो जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं, उनके पूरे ट्रेडिशन को, कल्चर को, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके बिलीव्स को, उनके रिचुअल को, सब चीजों को कॉपी करने लगते हैं, उसी को फॉलो करने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन। जैसा कि आपके यहाँ दिया हुआ है सिंपल ट्वाइस बॉर्न कास्ट का कॉपी इन लोग करने लगते हैं। अभी ट्वाइस बॉर्न कास्ट मतलब क्या होता है, द्विजा मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा अगर हम अपर थ्री कास्ट की बात करते हैं, मतलब हम बात करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की, तो ऐसा बोला जाता है हमारी हिंदू पूरी सोसाइटी में कि इनके दो बर्थ होते हैं,
एक फिजिकल बर्थ होता है जिस दिन आप पैदा होते हो, इसके बाद एक स्पिरिचुअल बर्थ होता है। आपने देखा होगा लोगों को ऐसा पूरा एक सेक्रेट थ्रेड पहना दिया जाता है, पूजा पाठ करके सब, आपने देखा होगा आपके बड़े बुजुर्ग एक थ्रेड पहनते होंगे, उसको बोल दिया जाता है हिंदू में कि एक सेकेंड बर्थ है आपका स्पिरिचुअल। तो ऐसा मेनली कुल मिलाकर जिनका स्पिरिचुअल बर्थ होता है एक दूसरी बार, ट्वाइस बॉर्न कास्ट होती है, उनको ये लोअर कास्ट वाले लोग फॉलो करने लगते हैं। अब फॉलो क्यों करते हैं, इसके रीजन क्या है, हम पूरा इसमें भी देखने वाले हैं। अगर हम बात करें संस्कृताइजेशन के, तो इसके इम्पैक्ट बहुत साइड में हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके इन्फ्लुएंस की अगर बात करें, तो वो लैंग्वेज में, लिटरेचर में, आइडियोलॉजी में, म्यूजिक में, डांस ड्रामा, स्टाइल ऑफ लाइफ एंड रिचुअल, हर जगह हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं बसती है जहाँ पर संस्कृताइजेशन का अच्छा हमें एक इम्पैक्ट देखने को ना मिले। मेनली अगर हम बात करें कि जो ये पूरा संस्कृताइजेशन की है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि हिंदू सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन श्रीनिवास जी ने बोला है कि सिर्फ हिंदू सोसाइटी में नहीं, हिंदुइज्म के बाहर भी जो रिलीजियस ग्रुप सेक्ट है, यहाँ पर भी हमें बहुत ज्यादा संस्कृताइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। ने पूरा बताया, लेकिन स्टडीज से हमको ये मालूम चला है कि संस्कृताइजेशन अलग अलग कंट्री में, अलग अलग एरिया में अलग तरीके से काम करता है। वहाँ की जैसी सिचुएशन है, जैसा सिनेरियो, उस हिसाब से इसका पूरा काम चलता है। अगर इसमें फिर हम एक और चीज़ दी हुई है कि जैसे अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जो संस्कृताइज कास्ट है, अगर वो डोमिनेंस में, मतलब जो कास्ट अभी संस्कृताइज होकर बनी है, अगर उनका एकदम डोमिनेंस चलता है, तो वहाँ पर पूरे रीजन का जो कल्चर है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का संस्कृताइजेशन हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसे रीजन की हम बात करें जहाँ पर नॉन सांस्कृतिक कास्ट डोमिनेट में है, तो वो डोमिनेशन उसका इतना ज़्यादा होता है कि उनका इन्फ्लुएंस अलग से देखने को मिलता है। मतलब जैसा अलग अलग जगह डोमिनेशन रहेगा, उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें चलती हैं। जहाँ संस्कृताइज कास्ट का डोमिनेशन रहेगा, तो वहाँ हर चीज़ में संस्कृताइजेशन देखने को मिलेगा, और जहाँ पर नॉन सांस्कृतिक कास्ट रहेंगी, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पर नॉन सांस्कृतिक कास्ट होती है, उसके वहाँ के प्रोसेस को हम डिसंस्कृताइजेशन भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर जब संस्कृताइजेशन का एक उल्टा हमको देखने को मिलता है, और बहुत सारे इसमें वेरिएशन हमें अलग भी देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि पंजाब में कल्चरली अगर हम संस्कृत इन्फ्लुएंस की बात करें, तो संस्कृतिक इन्फ्लुएंस वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं रहा। वहाँ पर 19 सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर में अगर हम देखें, जब तक पहले की सेंचुरी से, जब तक वहाँ पर सिर्फ पर्शियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता था। मतलब 19 सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हुई। इसके पहले मात्र पर्शियन का पूरा इन्फ्लुएंस दिखता था, वही डोमिनेशन उनका चलता रहता था। तो ये पूरा चलता है, मतलब हर जगह एक अलग अलग चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि श्रीनिवास जी ने बोला है कि मेनली संस्कृताइजेशन का जो होता है, ये इसलिए किया जाता है प्रोसेस ताकि जो लोकल कास्ट है अपनी हायरार्की, मतलब अपनी पोजीशन सुधार सके। मेनली जैसा हमने देखा कि संस्कृताइजेशन कब होता है, जब लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट को कॉपी करते हैं। तो क्यों करते हैं, अगर आप उनको कॉपी करोगे, उनकी जैसी लाइफ स्टाइल देखोगे, तो आपका हायरार्की में ऑर्डर बढ़ता जाता है, आपको थोड़ी रिस्पेक्ट मिलने लगेगी, आप अच्छे काम कर पाओगे। तो कुल मिलाकर मेनली ये इसलिए किया जाता है कि अपनी हायरार्की में एक अच्छी पोजीशन गेन कर सकें। और मेनली देखा जाता है कि जब भी ऐसा कोई संस्कृताइजेशन का प्रोसेस होता है, तो इसके बाद लोगों को एकदम से गेंस मिलते हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल पोजीशन में गेंस मिलेंगे, ये चीज़ इंप्रूव हो जाएंगी। और मेनली इसका रीज़न ये रहता है कि भाई जब आप संस्कृताइजेशन के प्रोसेस में आए हो, तब हिंदुइज्म के ग्रेट ट्रेडिशन आप बोल सकते हो, इससे आपका कॉन्टैक्ट होता है। जब आप इससे कॉन्टैक्ट होगा, तो बहुत सारी चीज़ों में आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, आपकी वृद्धि होगी, वेल्थ अच्छी होने लगेगी, पोजीशन अच्छी होने लगेगी। और फिर ये हिंदू ट्रेडिशन से कनेक्ट होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप ऐसे प्रोसेलिटाइजिंग सेक्ट से कनेक्ट हो सकते हो, मतलब वो एरिया जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको इनके रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए, उन लोगों से कनेक्शन में आप आ सकते हो, मोनेस्ट्री से आ सकते हो, पिलग्रिम सेंटर से आ सकते हो। कुल मिलाकर आपका हिंदुइज्म से एक लिंक बैठने लगता है, तो अपने आप चीज़ें ऊपर होने लगती हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इतनी अनइक्वल सोसाइटी है, यहाँ पर ये इतना आसान काम नहीं होता है। यहाँ पर आपने सुना होगा अगर लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट वालों की चीज़ें करते थे, तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। लोअर कास्ट वालों को वेद पढ़ना अलाउड नहीं था। अगर वो मंदिर में घुस जाते थे, कुएं से पानी तक निकाल लेते थे, तो उनको पनिशमेंट मिल जाती। तो आप सोच सकते हैं क्या इंडिया जैसी एक कंट्री में उनको दूसरों को कॉपी करने का एक वो मिलेगा ऑप्शन? कभी नहीं हो सकता। उनसे अगर वो इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, तो वो करने नहीं मिलता था। तो अपने आप में बहुत बड़ी एक पनिशमेंट होती थी। तो ये एक बहुत चीज़ें एक प्रॉब्लम में आ रही थी। इसको और अच्छे से हम समझेंगे एक स्टोरी के जरिए जो आपकी बुक में दी हुई है। तो कुमुद पवाड़े ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कैसे एक दलित वुमेन थी, वो एक संस्कृत टीचर बनी। इससे आपको पूरा क्लियर होगा मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। इनने बोला कि एज अ स्टूडेंट ये संस्कृत की तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड थी, मतलब इनको संस्कृत बहुत ही पसंद आता था। इनने बोला इसी फील्ड में आगे बढ़ा जाएगा, तो यही एक तरीका था कि इसकी पढ़ाई कर सके, क्योंकि जो इनका जेंडर है, जो इनकी कास्ट है, वो तो कभी इनको आगे बढ़ने देगा नहीं। और उनके उसमें फिर सीधे फील्ड में काम करना भी पॉसिबल नहीं था अपने कास्ट में। इन्होंने इसको पढ़ना चालू किया क्योंकि इनको बहुत अट्रैक्ट करती थी ये चीज़ें। तो इसके बारे में पढ़ा, और एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इनका कहना था भाई दुनिया तो बोलती है कि
हमारे हिंदू टेक्स्ट में ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये चीज ऐसे चलती वैसे चलती, लेकिन अगर हम खुद ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट हमारे पढ़ पाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी, हम उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो ये जब बातें उन्हें करी तो उन्हें संस्कृत पढ़ना चालू किया, लेकिन उन्हें बताया कि जब उन्हें संस्कृत की पढ़ाई करना चालू करी तो उन्हें सोसाइटी से बहुत ताने सुनने मिले और बहुत अलग अलग चीजें उनके साथ हुई, लोगों ने गलत व्यवहार किया उनके साथ, उनका रिजेक्शन हुआ, उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत प्रॉब्लम हुई। आखिरी में उन्हें ये बोला इसमें कि पूरा अगर मैं चाहूँ मैं अपनी कास्ट को फॉरगेट करना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर मैं मन में सोच लूँ कि नहीं मेरी कोई कास्ट नहीं है, मुझे कास्ट के बारे में ध्यान नहीं देना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और आपको क्योंकि हर तरफ से बताया जाता है कि आप लोअर कास्ट के हो, आप वेमेन हो, आपको ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। और इनने यहाँ पर एक कोट बोला है मतलब जो बहुत ही डीप और स्ट्रांग है, इसको आप समझिएगा, वॉट कम्स बाय बर्थ बट कैनॉट बी कास्ट ऑफ बाय डाइंग दैट इज कास्ट। मतलब एक चीज जो आपको जन्म के साथ मिलती है और आपके मरने के बाद भी वो समाप्त नहीं आती, वो चीज है कास्ट। तो एक बार आप पर ताज का एक थप्पा लग गया तो आप चाहकर भी इसको नहीं हटा सकते, नहीं कितना दर्दनाक भरा है कि यहाँ पर चीज बोला है। अब इसके बाद सीधा आगे बढ़ते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो संस्कृताइजेशन जो है ये मेनली जैसा मैंने आपको कहा इसलिए किया जाता है जहां पर लोग अपने स्टेटस को थोड़ा सा अच्छा कर सकें। इन लोग नेम्स और कस्टम्स जो है वो अपनाते हैं दूसरे हाई प्लेस ग्रुप का, जिससे इन लोग की भी थोड़ी सी हायरार्की में पोजीशन अच्छी हो सके और थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलने सके। लेकिन फिर भी देखने को मिलता है कि संस्कृताइजेशन प्रोसेस का पूरा 100% एक जन को बेनिफिट जब ही होता है तब कहीं ना कहीं से वो थोड़ा सा वेल्थ लेकर आ जाता है। मतलब आज की सोसाइटी में ऐसा, अगर किसी के पास पैसा है तो उसको अपने आप इज्जत मिलती है, अपने आप एक सम्मान मिलता है। तो कुल मिला के अगर आप इस संस्कृताइजेशन को भी देखो तो वही लोगों को इज्जत मिल रही है जो इसके बाद थोड़े वेल्थियर हो गए। तो मतलब पैसा एक बड़ा रोल प्ले करता है आज की सोसाइटी में आपको कौन से रैंक पर रखा जाएगा। इसके संस्कृताइजेशन का ये तो हमने पूरी अच्छाई बात कर ली, पूरी इसकी डिटेल कर ली, लेकिन क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक आता है जहाँ आपको पता चलेगा कि क्यों क्रिटिसाइज किया गया संस्कृताइजेशन को। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है, वन, इट हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर एग्जेजरेटिंग सोशल मोबिलिटी और द स्कोप ऑफ लोअर कास्ट टू मूव अप द सोशल लैडर। सबसे बोला जाता है कि ये जो हमारा संस्कृताइजेशन है हर चीजों को बड़ा चढ़ाकर बताता है। मतलब ये ऐसा बताता है कि एकदम अगर आपका संस्कृताइजेशन का प्रोसेस कर लिया तो लोअर कास्ट वाला एकदम टॉप पर आ जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी भी इसकी मदद से कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता है, क्रिटिसिज्म वालों का बोलना है। इनका कहना है पोजिशनल थोड़ा बहुत चेंज जाता है कि कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति लोग रहेंगे जो ऊपर बढ़ जाएंगे संस्कृताइजेशन के प्रोसेस से, बाकी नीचे रह जाते हैं। तो एक अनइक्वल स्ट्रक्चर रहे ये पूरा, जिसमें पोजिशन ऊपर नीचे चेंज होती रहती है, इससे कोई इतना बड़ा अंतर नहीं आता जितना ये अपने आप को बताता है। इसका दूसरा आता है, इट हैज बीन पॉइंटेड आउट द आइडियोलॉजी ऑफ संस्कृताइजेशन एक्सेप्ट द वे ऑफ द अपर कास्ट इज सुपीरियर एंड द लोअर कास्ट इज इंफीरियर। संस्कृताइजेशन खुद यही बात करता है कि आप अपर कास्ट को कॉपी कर रहे हो। मतलब खुद ये बताता है कि जब आप अपर कास्ट को कॉपी करते हो तो आपकी एक लाइफ स्टाइल सुधर जाएगी, आपको रिस्पेक्ट मिल जाएगी। मतलब कहना क्या चाहता है, क्या संस्कृताइजेशन ये बोलता है कि लोअर कास्ट इन्फीरियर है, अपर कास्ट सुपीरियर है? मतलब ऐसे अगर ये बोलेगा तो ये क्या बात होगी। मतलब कहीं ना कहीं ये तो सीधा नेचुरल बता देते हैं कि बिल्कुल एक नेचुरल चीज है कि अपर कास्ट होती है, लोअर कास्ट होती है, अपर कास्ट को रिस्पेक्ट मिलती है, लोअर को नहीं मिलती। अपने आप में इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं झलका रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड एक बहुत बड़ा आरोप इस पर लगता है कि संस्कृताइजेशन सीम्स टू जस्टिफाई अ मॉडल दैट रेस्ट्स ऑन इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। मतलब सही बात है, बिल्कुल बोला गया कि संस्कृताइजेशन जो है ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन को सीधा जस्टिफाई कर देता है। मतलब ये खुद प्योरिटी और पॉल्यूशन जैसे टर्म को जस्टिफाई करता है। अगर आपने बुक नंबर 1 नहीं पढ़ी है तो पहले वो जरूर पढ़िएगा हमारी वीडियो से, तब आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। पॉल्यूशन प्योरिटी जो चीज हम बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इसको सीधा जस्टिफाई कर देता है। मतलब कुल मिला के जैसे अपर लोग लोअर कास्ट वालों को देखते थे, ये सेम वही करता है। ये भी ऐसे लोगों के बीच डिफ्रेंशिएशन लाता है, लोअर कास्ट वालों को अलग कर देता है। और जहां पर ऐसा एक वर्ल्ड व्यू रहेगा जहां पर आप इनइक्वालिटी प्रमोट कर रहे होगे, ये पॉल्यूशन जैसे टर्मों को आप एकदम जस्टिफाई कर रहे होगे, तो वहां पर आप एक इक्वल सोसाइटी के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसका यहाँ पर एक एग्जांपल ये भी दिया कि पॉल्यूशन और पॉल्यूटेड प्योरिटी वाले जो हम वर्ड यूज करते हैं, रियलिटी में क्या होता है आप समझिए, इससे आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर एक लोअर कास्ट वाला बोल रहा है कि गोल्ड स्मिथ जो कास्ट है ये हमसे ऊपर आती है, अगर हम हायरार्की में बात करें हमसे ऊपर आती है, हम इसे खाना पानी तक नहीं मान सकते। क्योंकि अगर हम बात करें तो भाई हमसे अपर कास्ट में आते हैं, लेकिन अगर सच्चाई देखें तो गोल्ड स्मिथ इतने ग्रीडी होते हैं कि इन लोग हमारा एक्सक्रीमेंट, मतलब हिंदी में बोले तो मलमूत्र तक साफ कर देते हैं अपना गोल्ड डिग आउट करने के लिए। इतने मतलब ऐसे छोटे मोटे पॉल्यूशन भरे काम करते हैं, मतलब ये हमसे ऊपर है, उसके बाद हमसे ज्यादा पॉल्यूशन वाले काम करते हैं। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल लेने दिया वॉशरमैन का, जो गंदे कपड़े साफ करता है, ये भी हमसे ऊपर आते हैं। ऑयल प्रेसर जो सीट्स को कुचल कर उनसे ऑयल निकालते हैं, ये सब कितने गंदे काम इन लोग कर रहे हैं, लेकिन ये हमसे ऊपर आते हैं। यहाँ पर पूरा बताया गया कि आप पॉल्यूशन और प्योरिटी का मीनिंग क्या निकालते हैं।
मतलब आप कितना एक अपने आप में अजीब सी बात करते हैं। रियल मीनिंग तो आप निकालते नहीं हो, आप तो एक अलग ही मीनिंग निकालते हो। हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे पॉल्यूशन प्योरिटी के इन लोग शब्द निकाल देते हैं। इसके बाद हमें समझ में आता है कैसा डिस्क्रिमिनेशन पूरी लाइफ में हमारा चलता है। और कुल मिलाकर ये जो संस्कृताइजेशन है, कुछ हमारी सोसाइटी एक्सक्लूजन डिस्क्रिमिनेशन को अपने खुद के मीनिंग दे देती है। जैसे अभी अपन ने देखा इनका प्योरिटी का मीनिंग खुद का चलता है, पॉल्यूशन का मीनिंग खुद का चलता है। ये पूरा हम आता है एक बहुत अनडेमोक्रेटिक विजन ही हमारे सामने आता है। इसके बाद फोर्थ इसमें आता है कि भाई संस्कृताइजेशन जो हमारा है इसमें मेनली हम अपर कास्ट के राइट्स एंड रिचुअल्स को अडॉप्ट करते हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं गर्ल्स और जो वुमेन है इनको तो बिल्कुल नीचे ढकेल देते हैं। जैसे सीधी बात है, हम डाउरी की प्रैक्टिस हो गई, बाकी जितने वुमेन के लिए डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ये सब हम करने लगते हैं। कुल मिलाकर हम कॉपी करने के चक्कर में वुमेन और गर्ल्स के बीच में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं कि बिल्कुल नीचे ढकेल देते हैं हमको, तो ये कौन सी चीज सही हुई। तो ये इसमें आता है। फिर फिफ्थ इसमें दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड के चक्कर में जो दलित कल्चर और सोसाइटी की मेन एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो तो अपने आप गायब ही होती जा रही है, रोड करते जा रहे हैं हम उसको। सिंपल एग्जांपल, एक लेबर का वर्क अगर हम देखें, आप लेबर बोलिए, क्राफ्ट और आर्ट्स का वर्क देखिए, आप अगर मेडिसिन का नॉलेज देखिए, इकोलॉजी देखिए, एनिमल हस्बेंड्री देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन ये काम लोअर लेवल के लोग कर रहे हैं तो आप इन लोग को ऐसा बताने लगे जैसे शेमफुल है ये यूजलेस है। आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने लगे तो आप ये एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर को वैसा बोलने लगे हो कि अब ये कोई काम का नहीं है, यूजलेस हो गया। बिल्कुल लगा कहीं ना कहीं दलित के कल्चर को आपने एक बिल्कुल शेमफुल बताना चालू कर दिया, डिग्रेडेड बताना चालू कर दिया है। कुल मिला के आप इनको गिराने का काम कर रहे हो जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप इस पर आता है। इसके बाद लेकिन हमें देखने को मिलता है कि एंटी ब्राह्मणिकल जो मूवमेंट चल रहे थे इससे कुछ चेंजेस आए। मेनली 20th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए, एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट किए गए, जिसके बाद बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज में से संस्कृत के जितने भी वर्ड्स या फ्रेजेस होते थे उनको हटा दिया गया था। कुल मिला के आवाज उठाई जा रही थी। इसके बाद बैकवर्ड क्लास जो मूवमेंट चल रहे थे इससे बहुत फायदा भी हुआ कि आप थोड़ा ना कास्ट सिस्टम साइड हो रहा था और एक पॉजिटिव चीज में सामने आ रहा था। आपको याद होगा हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं अब इन लोग अपनी जाति आती पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि इन लोग बहुत ऊपर उठ चुके थे। तो यही आता है, इन लोगों को अब इतना कुछ अपना कास्ट का बार बार बताना चाहिए लगता था कि मैं वैश्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, क्योंकि इन लोग अपने आप बहुत ऊपर आ चुके थे। लेकिन दूसरी साइड ही इन लोगों को अपर कास्ट के होने में एकदम गर्व लगता था। लेकिन रिसेंट समय में अब यह हुआ है कि अब जो दलित हैं वो भी दलित होने पर एक अच्छा प्राइड में रहते हैं, अपने पूरे अंदर से सब प्राउड लेकर आते हैं कि हाँ मैं दलित हूँ, मतलब बोला कि एक पॉजिटिव चीज आ रही है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कई बार इसका उल्टा भी होता है। अगर कोई बताता है कि मैं दलित हूँ, मैं नीचे की जाति में आता हूँ, तो उन लोगों को बहुत सारे काम करने से रोक दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। दलित में कुछ लोगों के लिए एक अच्छी प्राइड की बात हो गई है, लेकिन कुछ लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि इन जो हमारे लोअर कास्ट वाले लोग हैं इनको प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस को आया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं और इनको भी कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये पूरा हमारा आता है संस्कृताइजेशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वेस्टर्नाइजेशन। तो अगर हम बात करें वेस्टर्नाइजेशन की, तो हमने पहले भी पुराने चैप्टर में पूरा कॉलोनियल पास्ट के बारे में पढ़ा है, जहाँ हमने पढ़ा था कि उनके पूरे इम्पैक्ट की वजह से कैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे वो कितना पैराडॉक्सिकल और स्ट्रेंज टाइप का हो रहा था, पूरा हमने पुराने चैप्टर में डिस्कस किया है। एम एन श्रीनिवास की बात करें तो इन्होंने बोला है वेस्टर्नाइजेशन सिंपल एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी इंडियन सोसाइटी और कल्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, और इन चेंजेस का रीजन था जो 150 साल का ब्रिटिश रूल था, इसने बहुत अलग अलग लेवल पर चेंजेस किए। 150 साल से ज्यादा के चेंजेस बहुत सारे हमारे अलग अलग एरिया में थे, जैसे टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी, वैल्यूज, हर जगह कहीं ना कहीं ब्रिटिशरों की वजह से एक चेंज हमें देखने को मिल रहा था। इसको इन्हें वेस्टर्नाइजेशन बोला है। लेकिन ये वेस्टर्नाइजेशन जो है ये बहुत काइंड्स का होता है, मतलब अलग अलग तरीके का वेस्टर्नाइजेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें रेफर किया गया है ऐसा वेस्टर्नाइज कल्चर का जो कि एक माइनॉरिटी सेक्शन में आया, जो कि सबसे पहले वेस्टर्न कल्चर से कॉन्टेक्ट में आए। मतलब जब आया, सपोज कीजिए इंडिया में ब्रिटिशर आए, तो ऐसा नहीं था एकदम से पूरे इंडिया में आ गए वो, पहले पर्टिकुलर कुछ कुछ एरिया के लोगों से उन्हें कॉन्टेक्ट किया, फिर धीरे धीरे उन्हें पूरे इंडिया को कवर किया। तो सबसे पहले इन्हें जिन छोटे लोगों को कॉन्टेक्ट किया, छोटी माइनॉरिटी सेक्शन को किया, इन लोग एकदम वेस्टर्नाइजेशन के प्रोसेस में आए। इसने इन लोगों ने क्या किया, बिल्कुल अडॉप्ट किया इनके पैटर्नों को, इनको समझा वेस्टर्न वाले लोगों को, उनकी लाइफ को कॉपी किया, उन लोगों को चीजों को पूरा सपोर्ट किया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि खुद ने अपनाया, इन चीजों को बढ़ाने के लिए भी इन्हें प्रमोट किया। मतलब जो माइनॉरिटी को जो ब्रिटिशरों का एकदम से इम्पैक्ट आया था, इनने खुद को तो बिल्कुल वेस्टर्न कर ही लिया था, लेकिन इनने बोला था कि वेस्टर्नाइजेशन और पूरे इंडिया में बढ़ना चाहिए। इसका सीधा एग्जाम्पल आता है हमारे 19th सेंचुरी के जितने रिफॉर्मर थे वो इसी टाइप के थे, मतलब खुद भी वेस्टर्नाइजेशन को सपोर्ट करे थे, खुद ने अपनाया था और चाह रहे थे कि और ये आगे तक बढ़े, जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी था। ये हुआ तो स्मॉल सेक्शन जो हमारे ये थे, इन लोगों ने पूरी लाइफस्टाइल को कॉपी कर लिया था, वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग से अफेक्ट हो चुके थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर बढ़ता गया तो अलग अलग जगहों पर स्प्रेड होने लगा।
मेनली अगर हम बात करें कि एक जनरल वे में कैसे फैला, तो आपने देखा होगा नई टेक्नोलॉजी का हम यूज करने लगे, हमारा ड्रेसिंग सेंस बदल गया, फूड बदल गया, हमारी हैबिट बदल गई, पूरी हमारी स्टाइल बदल गई जनरल वे में। तो ये एक वेस्टर्नाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इसका सीधा एग्जाम्पल आता है कि अगर हम पूरी कंट्री में देख ले तो मिडिल क्लास बहुत सारी जगह में से देखने घरों में देखने को मिल जाता है। सबका टीवी है, फ्रिज है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, चेयर है, लिविंग रूम में कॉमन हो गया, अब तो बहुत ही कॉमन हो गया है। ये सब कहीं ना कहीं एक वेस्टर्नाइजेशन का पार्ट है। तो कुल मिला के वेस्टर्नाइजेशन जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो कि पूरा हम पूरा ही वेस्टर्न अपना रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ चीजें उनकी कॉपी कर रहे हैं और कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मे बी हम उनके मॉडर्न जितनी भी वैल्यू हैं, जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी हो गई, उनको हम ना अपनाएं, उनकी सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें अपना लें, उनका एक्सटर्नल ऐसे कल्चर हम पूरी तरीके से ना अपना पाएं, ऐसी चीजें आती हैं। मतलब पूरा एक हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं तो अलग अलग एरिया में अलग अलग पार्ट का वेस्टर्नाइजेशन हमको देखने मिलता है। ये पूरा इसमें हमारा आता है। इसके बाद हमें एक और चीज देखने को मिलता है कि वेस्टर्नाइजेशन के बाद अगर हम लाइफ को छोड़ दें, ये सब चीज छोड़ दें, तो बाकी चीजें भी इंप्रूव हुई, जैसे कि इंडिया का आर्ट और लिटरेचर। हमारे से आर्टिस्टों की हम बात करें, रवि वर्मा हो गए, हमारे अभिन्द्रनाथ टैगोर हो गए, चंदू मेनन हो गए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गए, इन सबको एकदम कॉलोनियल एनकाउंटर में एकदम से इम्पैक्ट पड़ा था इन पर, और इन लोग एकदम से आगे बढ़ना चालू हुए थे। नीचे कुछ बॉक्सेस आएंगे जो हम पूरा डिस्कस करेंगे। आप अगर एनसीईआरटी से देखेंगे तो आपको बॉक्सेस पैरा के बीच बीच में मिलेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं पहले पूरा पैरा समझा देते हैं फिर बॉक्सेस को रख देते हैं, नहीं तो बीच में फिर लिंक टूट जाता है। और कहीं पर ऐसा लगता है कि नहीं, बॉक्स बीच में समझाना जरूरी है तो बीच में भी समझा देते हैं, ऐसी चीजें हम करते रहते हैं। बॉक्स पर अभी आएंगे तो और डिटेल में बॉक्स के बारे में हम बात कर लेंगे। तो पूरा ये दिया हुआ एक पेंटिंग पेंटिंग का दिया हुआ, जहां पर बताया गया कि केरला की एक मैट्रिनियल कम्युनिटी में हमें एक ऐसी फैमिली का पूरा एक फोटो देखने को मिलता है जहां पर वो पैट्रिनियल न्यूक्लियर फैमिली का कहीं ना कहीं रिसेम्बल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत उस समय की नई चीज थी। तो ये पूरा आता है। अब देखिए थोड़े बॉक्स डिस्कस कर लेते हैं गाइज, मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। कुछ बॉक्सेस ऐसे रहते हैं जो हमें समझाना पड़ता है तो हम आपको समझाते हैं, कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिसपे आपको रीडिंग करना है, क्योंकि वो एक स्टोरी दे दी हुई है। अब स्टोरी में वीडियो में समझाऊंगा, वीडियो फ्री की 5-10 मिनट और बढ़ जाएगी, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर उनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि वे ऑफ थिंकिंग का बॉक्स आता है, तो सिंपल ये बोला गया कि जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने जब ऑन लिबर्टी ऐसे को पब्लिकेशन किया, तो इसके जैसी पब्लिकेशन इसका हुआ तो इंडियन कॉलेजेस में ये चलने लगी, बुक में टेक्स्ट आ गई है। तो इसके बाद लोगों को मैग्ना कार्टा, मैग्ना डाटा कार्टा मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए एक राइट्स का पूरा चार्टर था, एक बुक बोल सकते हैं आप, उसके बारे में पढ़ने हमको मिलता है। फिर हमें यूरोप और अमेरिका में लिबर्टी इक्वालिटी के लिए जो स्ट्रगल हुआ है वो पढ़ने को मिलता है। तो लोगों की थिंकिंग एकदम से चेंज होने लगी। इसके बाद वे ऑफ लिविंग की यहाँ पर बात करी गई है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देवकी बोलती है कि इनके घर में क्या होता है, ऑयल्स जो होते हैं, जो एग्स जो होते हैं उनको एग्स कप्स में खाने के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर इन लोगों का पॉरेज होता है, पॉरेज मतलब आप बोल सकते हैं दलिया, तो दलिया का इन लोग क्या करते हैं, दलिया अलग से देंगे, हॉट मिल्क और शुगर अलग से देंगे, और सबको आपस में मिलाना है। लेकिन देवी का कहना है कि बाकी घरों में ऐसा नहीं होता, वहां तो पैन में सब चीजों को साथ में डाला जाता है, मिलाया जाता है और दे दिया जाता है बनाकर। तो ये अंतर कैसे आया, ये अंतर वेस्टर्नाइजेशन का तरीका था, चीजें चेंज हो रही थी ऐसा रहा था। तो उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा हमारे यहाँ ईस्ट स्टेट में इसी तरीके से खाया जाता है। तो कुल लगा समझ में आता है कि कैसे अंतर आता है। तो ये बॉक्सेस में सब आपको एक बार पढ़ना है, इससे उठकर सीधा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो आपको बॉक्सेस का एक पैराग्राफ में आ सकता है कि भाई उन्हें पैरा दे दिया, तो आप पढ़कर आंसर दे सकते हो, कोई तारीफ ही करनी है। ये पेंटिंग आती है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें यही बताया गया कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर जैसे मेनली मैट्रिलिनियल का चल रहा था, वहां पर कैसे एक अलग टाइप की फैमिली हमें फॉर्म होती हुई दिख रही है वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर। ये पूरा इसमें दिया हुआ है कि एक पैट्रिलिनियल न्यूक्लियर फैमिली का पूरा एक पोर्ट्रेट ये सामने आता है। तो एक अच्छे इसमें पूरा आता है। उसके बाद एक और बॉक्स हमारे सामने आता है जहां पर एक ग्रैंड मां बोल रही है कि अब मैं अपने जो बच्चे नाती पोते जो भी हैं इन सब से अब मैं बहुत अलग हो गई हूँ, जनरेशन गैप बहुत ज्यादा आ गया। इस बॉक्स में जनरेशन गैप का बताया गया है, उन लोगों का तौर तरीका अलग है, इन लोगों का चाइल्डहुड अलग है, इन लोगों का बात करने का तरीका अलग है, इन लोगों को जो चीज पसंद आती है वो अलग है। तो मेरा इनसे कोई लिंक ही नहीं बचा है, अब मैं इनसे बात करना भी चाहूँ तो एक वो लिंक नहीं बन पाता, क्योंकि मेरी बात करने का तरीका बहुत अलग होता है और इनका बहुत अलग होता है। तो ये पूरा जनरेशन का बताया गया है। इसकी आप एक सिंपल रीडिंग करेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा इसमें आता है। इसके बाद एक और यहाँ पर ये बहुत अच्छा बॉक्स आता है, इसमें बताया गया है कि एक जन ने बोला कि मेरे ग्रैंड फादर जो थे वो जितने लोग नागास ग्रुप के थे उनकी तरह बिल्कुल सेम थे, लेकिन इनने क्या किया, जैसे ये यूरोपियन के कॉन्टेक्ट में आए तो ये एजुकेशन की वैल्यू समझे, इनने अपनी बेटी को एजुकेशन दिलवाया, उनको अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजा, फिर इनकी फैमिली में सबको इन्हें एजुकेशन दिलवाया, मतलब जितने लोग भी काबिल थे उन सबको एजुकेशन मिला। इसके बाद क्या हुआ, जिस एरिया में यहाँ रहते थे यहाँ ऐसा था कि हर 20 किलोमीटर बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती थी, मतलब वो लोग जो आपस में कनेक्टेड नहीं है इनने वहाँ सबको पढ़ा लिखा कर इंग्लिश सिखाया और इंग्लिश के मीडियम से सब कनेक्ट हो गए, अपने आइडिया शेयर करने लगे, पूरी कंट्री से बात कर सकते, जहाँ पहले 20 किलोमीटर दूरी बात नहीं कर पाते थे अब सबसे आइडिया शेयर हो रहे हैं, बातें हो रही हैं।
तो इन्हें एक एजुकेशन का इम्पैक्ट बताया, इन्हें बताया कि कैसे एक वेस्टर्न कल्चर से इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट हुई, फिर हम सबको एक मीडियम मिला बात करने का, तो ये पूरा इस बॉक्स में आता है। ऐसे ही बहुत सिंपल बॉक्सेस आते हैं। सोशियोलॉजी के चैप्टर बहुत बड़े बन जाते हैं, इसलिए मैं ये जो बॉक्स आप खुद पढ़ सकते हैं, कुछ शॉर्ट में समझा देता हूँ। मुझे एक बार रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने देखा होगा सोशियोलॉजी की वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ तो कितनी बड़ी हो जाती है, और मैं जानबूझ के एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा रखता हूँ क्योंकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। ये पूरा इसमें आता है। इससे समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंज हो रही हैं, कुल मिला के कल्चरल चेंज हमें देखने को मिलता है, और कुल मिला के वेस्ट और जब हमारे ट्रेडिशन का एक कॉन्फ्लिक्ट हमें भी आजाद देखने को मिल जाता है। कई बार कई चीजें अच्छी हो जाती है तो कई बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जैसे जनरेशन गैप, आपने देखा वो दादी जी को कैसा एकदम से अजीब लग रहा था अपने नन्हे पोतियों के साथ, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्या ये सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन का रीजन है कि कोई और रीजन भी इसमें आ सकते हैं, और क्या अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी रहे हैं तो ये हर बार बुरे ही है कि इनमें कोई अच्छी चीजें भी हैं। ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये आप मुझे आंसर कमेंट में कीजिएगा, आपका क्या कहना है। एनसीईआरटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, ये आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर इनने श्रीनिवास जी ने एक और चीज बोला है, इनका कहना है कि जो लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं ये संस्कृताइज होते हैं, और जो अपर कास्ट वाले होते हैं ये वेस्टर्नाइज होते हैं, ये इनने कहा है। और इनने कहा कि इंडिया एक जैसी कंट्री जितनी डाइवर्स है, यहाँ पर कुल मिला के जनरलाइजेशन नहीं कर सकता, जनरल वे में चीज नहीं कर सकते, डिफिकल्ट हो जाता है जनरल वे में चीजों को मेंटेन करना, अलग अलग हो जाता है। इन्हें एग्जांपल दिया जैसे कि थैयास की अगर ये बात करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अपर कास्ट में नहीं आते थे, इन लोगों ने वेस्टर्नाइजेशन के लिए बहुत एफर्ट किए। अभी ऊपर इनने बात करी है कि जो लोअर कास्ट वाले लोग रहते हैं उन लोग संस्कृताइज होते थे, लेकिन अलग एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग चीजें हो जाती है। तो थैयास का इन्हें एग्जाम्पल दिया, वहां का एक जाति बोल सकते हैं, थैयास वहां का एक ग्रुप था, तो ये इनका आता है। थैयास का कहना था कि ब्रिटिश कल्चर से ये एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा अपने लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन का पूरी अपॉर्चुनिटीज देखी, नॉर्थ ईस्ट के जितने लोग थे इन लोगों ने पूरी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया, और कुल मिला के इन लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिला। तो ये एक हमारी चीज सामने आती कि लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, तो कुल मिला के ये पूरा इसमें आता है। हमें देखने को मिलता है कि कॉलोनियल एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रखता है वेस्टर्नाइजेशन पर, लेकिन आज की डेट में देखें तो कॉलोनियलिज्म के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करते हैं, उसके नए फॉर्म्स को जनरेट करते हैं। इतना आता है हमारा इस टॉपिक पर, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। तो अगर हम बात करें हमारे इस टॉपिक मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, तो इसकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। मेनली अगर हम बात करें 19th century और उसके बाद अगर हम 20th century में आगे बढ़े, तो उस समय जो ये हमारा मॉडर्नाइजेशन टर्म था, इसको बहुत ही ना पॉजिटिव और डिजायरेबल वैल्यू के साथ देखा जाता था, मतलब बोला जाता था एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और ये हमें अपनाना चाहिए, ऐसी पूरी बातें हम करते थे। मतलब मेनली सोसाइटी जो थी हमारी, जितने भी लोग हमारे इंडिया के थे, इन सबको क्या मॉडर्न बनना था। मतलब स्टार्टिंग में जो मॉडर्न की डेफिनेशन थी वो एक बहुत ही पॉजिटिव है हम कह सकते थे, क्योंकि मेनली पहले बोला जाता था मॉडर्न बनना मतलब क्या होता है, हमारी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लेकर आना, हमारे प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है इनमें इंप्रूवमेंट लेकर आना, मतलब कुल मिला के एक हमारी जो डेली लाइफ में हम काम करते हैं उन सब में डेवलपमेंट लेकर आने को हम मॉडर्नाइजेशन बोल रहे थे। लेकिन जैसे समय बढ़ता गया ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट बनता गया। अब बेसिकली मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग क्या हो चुका है, अगर हम बात की बात करें तो अब मीनिंग हमारा सिंपल हो गया है कि जैसे वेस्ट यूरोप हो गया हमारा, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, इनने जैसे अपने आप को डेवलप किया उस तरीके के डेवलपमेंट के पाथ को हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। मतलब कुल मिला के जैसा जैसा वेस्ट यूरोप में हुआ, नॉर्थ अमेरिका में हुआ, सेम हम वैसा करते जाएंगे तो हम एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे, हम एक डेवलप्ड लोग कहलाएंगे, कुल मिला के मॉडर्न लोग हम कहलाएंगे। तो ऐसा पूरा आता है। मतलब मेनली अब ये बोला जाता है कि अगर आपको मॉडर्नाइजेशन करना है तो आपको उनके बनाए रास्ते पर चलना पड़ेगा। जैसे समय के साथ चीजें चेंज हो रही थी, इसके बाद हमने पहले ही पढ़ा है कि कैपिटलिज्म जो हमारे यहाँ है मेनली हमारे कॉलोनियलिज्म पीरियड से आया। ये हमने चैप्टर 1 में पूरा देख लिया था कि कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा एक हमारा इम्पैक्ट आया था कॉलोनियलिज्म से, तो ये पूरा हुआ। तो ये इसमें हम पूरा देखने वाले हैं। पर लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्नाइजेशन की और सेकुलराइजेशन की, तो ये हमारे जो इंडिया में हुआ ये हमारे वेस्ट से ना हल्का सा अलग जाता है। मेनली कॉलोनियलिज्म इसका एक रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन है जो हम डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा इसलिए हमारा अलग टाइप का भागता है। मतलब जो ओवरऑल एक मॉडर्नाइजेशन सेकुलराइजेशन होता है उससे अगर हम इंडिया को कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। इसका सीधे सीधे एग्जांपल आता है, अभी हमने वेस्टर्नाइजेशन का टॉपिक कवर किया, आपको समझ में आएगा हम कैसे अलग जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने 19th century के सोशल मूवमेंट देखे, उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमारे यहाँ चीजें चेंज हो रही थी। लेकिन अगर हम इस चैप्टर के अभी आगे की बात करें तो हम मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा लिंक होके साथ में ही चलते हैं। तो पूरे लिंक के साथ हम इनको पढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे हमारे मॉडर्न आइडियाज के नए एक सेट बनकर हमारे सामने आ रहे हैं, कैसे क्या हमने इनको अपने इंडिया में किया है, और फिर हम देखेंगे कि हमारे सोशियोलॉजिस्ट ने कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, मतलब हमारे सोशियोलॉजिस्ट का क्या मानना है, उनके ओपिनियन क्या है।
तो ये पूरा हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे में आ रहा है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी से मीनिंग क्या समझते हैं? जब से मॉडर्निटी आया है ना, तो हमारा सोचने का तरीका, ऑब्जर्व करने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया है। जहां पहले कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इमोशन सेक्रेड और नॉन रैशनल सोच की जगह होती थी। कुल मिलाकर अगर हम बोलते हैं, पहले हम एक अपने अलग भावनाओं से आगे बढ़ते थे, अब ये सब चीजें हट गई हैं और अब कैलकुलेशन, साइंस, ये चीजें आ गई। मतलब मॉडर्निटी का मीनिंग क्या हो गया? वो पुराने जो बोलते थे ना, चली आ रही धारणाएं, उनसे लोगों को जज किया जा रहा है, पुरानी मान्यताएं चल रही हैं, उनसे चीजों को देखा जा रहा है। कुल मिलाकर अपनी खुद की कोई सोच नहीं होती थी, जैसे सब पास्ट में चलता है बस उसी को फॉलो करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब चीजें चेंज हो रही हैं, अब यूटिलिटी आ गई है, कैलकुलेशन आ गया है, साइंस आ गया है। कुल मिलाकर वो आपकी कितनी दम है उस हिसाब से आपको जज किया जाता है। इसको आगे हम सिंपल वे में भी देखेंगे, पहले इसको एक हल्की सी नजर हम मार लेते हैं। जैसे इसमें देखा हुआ है कि अब सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, आजकल कोई ग्रुप की वैल्यू नहीं होती है। जैसे पहले हमने पढ़ा, पहले सोसाइटी में से अपर कास्ट का ग्रुप हो गया, लोअर कास्ट का ग्रुप हो गया, कुछ पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप हो गया। अब ग्रुप की वैल्यू खत्म हो रही है, अब पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की वैल्यू आती है। अब अंतर नहीं आता आप कौन सी कास्ट के हो, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। अगर आप में पर्टिकुलरली कोई वैल्यू है, आपको एक दिखता है कि अरे बंदे में दम है, तो आपको इज्जत मार्केट में मिलेगी, क्योंकि अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब आपका बर्थ डिसाइड नहीं करता आप क्या करोगे, जो आपको पसंद आता है आप वो करते हो। अब आपके पेरेंट्स का काम डिसाइड नहीं करता कि उनने जो काम किया आप उसी काम को आगे बढ़ाओगे, आपका काम डिसाइड करता है। अब कुल मिला के पूरी चीज आपके ऊपर आ गई है, कैसे आप क्या करोगे, आपकी कम्युनिटी, आपकी फैमिली पर अब वो चीज डिपेंडेंट नहीं है। कुल मिला के पूरा एटमोसफियर आप खुद का क्रिएट करोगे, सब चीजें आपकी रहेंगी, आपकी वैल्यू दिखाएंगे। इसी को अगर बिल्कुल इजी वे में हम देखें तो हमारे सामने आ जाता है कि कैसे आप बिहेव करोगे, कैसे आप सोचोगे। अभी आपकी फैमिली, आपकी ट्राइब और आपकी कास्ट और कम्युनिटी डिसाइड नहीं करती, आप खुद डिसाइड करते हो। अब लोकल लेवल पर चीजें नहीं होती, अब एक यूनिवर्सल लेवल पर चीजें होती हैं। मतलब जिसमें जितनी वैल्यू है, जितनी दम है, उसे सबसे वो आगे बढ़ेगा। आपको क्या जॉब करनी है, ये आपके पेरेंट डिसाइड नहीं करते, आपको जो करने का मन है वो आप करते हो। इसी लाइक इसका एग्जांपल आता है, आपने देखा होगा आजकल नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लोग अपने मन से जिस चीज में उनका इंटरेस्ट रहता है वो चीजें करते हैं, एक फ्रीडम आ गई है। मतलब कुल मिलाकर अब आपकी चॉइस है आपको आपको क्या काम करना है, आपका बर्थ आपको चॉइस नहीं देता है, ये आपका जो मन है वो आप करोगे। पहले ऐसा होता था जहां पैदा हो गए उन्हीं के काम आपको आगे बढ़ाने, अब ऐसा नहीं होता है। और अगर आज बोले कि आप कौन हो, तो पहले अगर कोई से बोलते थे तुम कौन हो, तो उसकी पहचान कैसे होती थी, उसकी कास्ट क्या है, कम्युनिटी क्या है, उसकी फैमिली क्या करती है, अब ऐसा नहीं होता है। अब आप कौन हो की पहचान कैसे होगी, कि आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, अब ये देखा जाता है। मतलब किसी बंदे को रिस्पेक्ट मिल रही है तो उसने क्या किया है अपनी लाइफ में, उसने क्या अचीव किया है, तो ये पूरा हमारे सामने आता है। कुल मिलाकर अब साइंस ने एक अच्छी पकड़ जमा ली है, रैशनल एक अप्रोच आ गई हमारे सामने, मतलब अब सोच समझ कर हम काम करते हैं, तो ऐसा पूरी चीज हमारे चेंजेस आई है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्या ये सच में सही है, कैसे चीज हमें देखने को मिल रही है? क्या इंडिया में अगर हम देखें तो क्या हमको जॉब की एक चॉइस मिलती है, कि हमें जॉब फोर्स किया जाता है? या आप बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे। क्या हमारे जो स्कैवेंजर है, मतलब जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वो अपनी जॉब खुद चूज करते हैं? ये भी आप मुझे बताइए। क्या हम लोग अपनी जो मैरिज करते हैं अपनी कास्ट और कम्युनिटी के अंडर में नहीं करते? बहुत कमी देखने को मिलता है कि इंटर कास्ट मैरिज हो रही है। क्या आज भी हमारे रिलीजियस बिलीफ हमको डोमिनेट नहीं करते हैं? कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अभी हमने बात करके मॉडर्निटी क्या होता है, क्या हम इंडिया में देखने को मिल रही है चीजें? लेकिन ये चीजें हमने चलो बात कर ली कि भाई कुछ चीजें जो आज भी हमारे पुराने समय से चल रही है, लेकिन आज हमारी साइंटिफिक ट्रेडिशन ने भी अपनी जगह बना ली है। आज हमारे पास एक अच्छा सेकुलर सिस्टम, एक अच्छा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हमारे पास है। मतलब मॉडर्न चीजें भी हमने अपना ली हैं। लेकिन इसी के साथ अगर देखें तो आज भी हमको कास्ट और कम्युनिटी की एक ग्रुप दिखाई पड़ते हैं, अपने कास्ट के लोग अपने अपने ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी मोबिलाइज कर रहे हैं, तो ये चीज समझ में आता है। तो मेनली अब यही बात हो रही है कि कैसे प्रोसेस है। मतलब कभी हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन आ गया है इंडिया में, कभी हम उसके ड्रॉबैक्स वाले इधर साइड दिखा देते हैं, फिर कभी हम बोल देते हैं कि नहीं आया ही नहीं है, कभी हम बोल देते हैं आया भी है तो उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करके लाए हैं, तो ये चीजें आती हैं। तो इस चैप्टर में हमने पूरा यही समझने का ट्राई किया हुआ है। तो अगर हम सिंपल वे में देखें तो मेनली क्या होता है हमारे यहाँ, हमारे आप देखें तो एक कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशन है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया का भी कुछ ट्रेडिशन चलता है, साथ साथ मॉडर्निटी के भी कुछ कॉन्सेप्ट हमारे आ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। हम बोलते हैं कि इंडिया का ट्रेडिशन जो एक प्रकार से आप बोल सकते हो मिक्स ऑफ ट्रेडिशन है, लेकिन ये सच नहीं है। एक मॉडर्निटी अपने आप में अलग टर्म होता है, एक ट्रेडिशन हमारे जो होते हैं अपने आप में एक अलग टर्म होता है, तो इन्हें एकदम मिक्स करके बोलना चीज सही नहीं है।
और आपने देखा होगा कि इंडिया कभी भी कोई एक सेट ट्रेडिशन नहीं है इंडिया का, इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में आप सब जानते हो, इस पर डिबेट भी चलती है। हमने पूरे चैप्टर में देखा है कि प्लूरेलिटी की हम बात करते हैं, साथ ही साथ हम पूरे डिबेट्स की बात करते हैं कि इंडिया में हमेशा डिबेट होती है ट्रेडिशन को लेकर, कि इंडिया में कैसे ट्रेडिशन रहे हैं, कैसे हमें देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है भाई, इंडिया में आप इनको मिक्स करके तो नहीं चल सकते, आपको सबको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ हर लोग हर चीज़ को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कुछ हमारा ट्रेडिशन हमारे साथ रह जाता है, कुछ मॉडर्न वैल्यूज हमारे साथ आ जाती हैं, तो इनको पूरा हमें देखना पड़ता है। तो वही हमने इसे पूरा किया। हमने 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ा, तो आपको इससे क्लियर हुआ होगा चीज़ें कैसी हो रही हैं। और साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया का ट्रेडिशन फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है, हम इसको रीडिफाइन करते रहते हैं। जैसे जैसे चीज़ हम अपनाते हैं, अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं, कई चीज़ों को जो अपनी चीज़ अच्छी लगती है उसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करके हम पूरा रीडिफाइन करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था और आज भी चल रहा है। यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश की पूरी दिया गया है बॉक्स, हम वो पढ़ लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो अब इस बॉक्स को बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पूरा पढ़ भी सकते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपल वे में समझाता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन से क्या हुआ। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता है ना गाइस, तो हमारी सोचने की अलग एक थिंकिंग बदलने लगती है, लोगों को दुनिया को देखने का नजरिया बदलने लगता है। जैसा मैंने आपको बताया, तो हमने पहले भी पढ़ा कि जैसे जैसे ये चीज़ें चेंज हो रही थी तो नई नई चीज़ों पर अब हम ज़्यादा एक प्रेशर दे रहे थे, जैसे कि ट्राइबल आइडेंटिटी अब एक बड़ा रोल प्ले करने लगी थी। तो हमें मॉडर्नाइजेशन क्या देखने को मिला कि अब हमारे जो फेस्टिवल के सेलिब्रेशन होता था, जो रिचुअल्स हमारे होते थे और कोई भी हमारी कास्ट ट्राइब से रिलेटेड चीज़ें होती थी, अब इनमें बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिल जाएगा। मतलब ये पूरी तरीके से बदलते जा रहे हैं, क्योंकि इसका सिंपल रीजन ये है कि मॉडर्नाइजेशन के बाद अब इनको ऐसा मानने लगे हैं लोग कि भाई अब हमें हमारी आइडेंटिटी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। मतलब अगर हमारी ट्राइबल आइडेंटिटी है तो अब हमें इसके पूरे कल्चर को दुनिया को दिखाना पड़ेगा, इसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आज बोलने लगे हैं लॉस ऑफ कल्चर मतलब लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अगर हमारा कल्चर चला गया तो हमारी आइडेंटिटी चली जाएगी। तो यहाँ पर एक सिंपल यही दिया होगा कि पहले जहाँ पर ये ट्राइबल लोगों के होते थे मेनली, जितने भी इनके फेस्टिवल रिचुअल होते थे, तो वहाँ से सिंपल होते थे, मतलब एक सीजनल बेसिस पर होते थे कि सीजनल बेसिस पर हम ये करेंगे, कोई फ्लैग नहीं होते थे, कोई स्पीच नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन समय के साथ अब क्या हो गया, ये पूरी चीज़ चेंज हो गई है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल कैलेंडरों पर इन्हें मार्क कर दिया कि भाई हमारा फेस्टिवल किस दिन मनाया जाएगा। अब ये स्पीचेस रखना, चीफ गेस्ट को बुलाना, फ्लैग की डिजाइन करना, ये सब चीज़ें नेसेसिटी हो गई हैं, क्योंकि अब आपको एक पूरा अपनी एक प्रिजर्व करके रखने की जरूरत है, दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि भाई हमारी भी एक आइडेंटिटी है। तो ऐसे चेंज होती जाती हैं चीज़ें। तो कुल मिला के जब मॉडर्नाइजेशन का लोगों के माथे पर आया कि भाई हम मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम भी मॉडर्न बनना चाहते हैं, तो ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहे थे। तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, इसमें यही बताने का ट्राई किया गया जिससे पीछे वाली चीज़ें हमें और अच्छे से समझ में आए। अब सीधे बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक, यहाँ पर हम सेकुलर की बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं हमारे वेस्ट साइड की, क्या मॉडर्न जो वेस्ट साइड है, इन लोगों का क्या मतलब होता है सेकुलरिज्म से, क्योंकि मोस्टली जो हमारी चीजें होती हैं वो इन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाली होती हैं, लेकिन इंडिया में बहुत अंतर देखने को मिलता है, मैंने आपको ये भी बताया था। अगर इनकी बात करें तो इनका सिंपल मीनिंग होता है, सेकुलराइजेशन मतलब होता है कि जो रिलीजियन का इन्फ्लुएंस होता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। मतलब कुल मिलाकर रिलीजन रिलेटेड जितनी भी चीजें वो अपनी कम होने लगेंगी तो सेकुलराइजेशन होने लगेगा। सेकुलर मतलब सिंपल होता है नॉन रिलीजियस। आपने सुना होगा इंडिया इज द सेकुलर कंट्री, आपने आपको लाइन सबको पता होगा कि इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडिया का जो स्टेट है नॉन रिलीजियस है, हम किसी भी रिलीजियस वे में अपनी चीज़ें नहीं चलाते हैं। इंडिया में सारे रिलीजियस को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है और आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, और स्टेट कभी भी किसी रिलीजन को देखकर अपने स्टेप नहीं उठाता, उसके लिए सब इक्वल है, इसलिए इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बोला जाता है। तो मेनली सेकुलरिज्म का उल्टा क्या होता है? रिलीजियस। और सर रिलीजियस का उल्टा सेकुलरिज्म। तो जब भी सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो आप सिंपल इतना समझिए कि हम रिलीजियस के अपोज की पूरी एक बात कर रहे हैं। तो ये होता है। तो मेनली अगर हम बात करते हैं पूरे थ्योरिस्ट की, पूरे थ्योरिस्ट का यही कहना है कि अगर हम जितनी भी मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो मतलब जो भी मॉडर्न सोसाइटी फॉर्म हो रही है ये सेकुलर बनती जा रही है, मतलब ये नॉन रिलीजियस बनती जा रही है। मतलब कुल मिलाकर हम ये बोलते हैं कि जैसे जैसे चीजें मॉडर्न होती जाएंगी रिलीजियस वैल्यू गिरती जाएंगी। तो इनका कहना है कि कुल मिलाकर जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ कि चर्च में अटेंडेंस की रेट ये कम होती जा रही है, मतलब अगर ये कम हो रही है तो आप समझ जाइए सेकुलरिज्म होने लगा, सेकुलराइजेशन एक कंट्री में होने लगा है। जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका सोशल और मटेरियल इन्फ्लुएंस कम होने लगता है, जो लोग होते हैं उनके रिलीजियस बिलीफ कम होने लगते हैं। इनका कहना है इसका मीनिंग होता है सेकुलराइजेशन। लेकिन अगर हम देखें तो हमें अभी कुछ सालों में देखने को मिला है कि भाई जैसे जैसे ये मॉडर्नाइजेशन सेकुलराइजेशन ये सब चीज़ों की हम बात तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है लोगों की उस पर रिलीजियस कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, लोग धीरे धीरे और रिलीजियस हो रहे हैं और इस पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलते हैं, तो पूरी तरीके से सही नहीं है। तो पास्ट में हमने यही देखा है कि अगर हम पास्ट की बात करें तो यही बोला जाता था कि मॉडर्न मतलब क्या होता है कि रिलीजियस वे का डिक्लाइन आ जाना, लेकिन ये पूरी तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है।
अगर हम बात करते हैं हमारे जिसमें दिया हुआ है वेस्टर्न एंड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जब सेटअप हो रहे हैं, मेनली रिलीजियस रिफॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बहुत सारे सेटअप हो रहे हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, नए काइंड के रिलीजियस ग्रुप फॉर्म हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुल मिला के सब चीजें मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के चक्करों में पूरी चीज चेंज हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिचुअल हैं, बहुत सारी चीजें हमारे ऐसी होती हैं जहां पर हम मेनली सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेकुलरिज्म और हमारे रिचुअल साथ में नहीं चल सकते, ये अपने आप में एक गलत बात आती है। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अरे आप शादी की एक ट्रिप के लिए मंदिर नहीं जा सकते, तो क्या आप उदास हो रहे हो? आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो मंदिर आजकल एक क्लिक अवे है। आप ऑनलाइन मंदिरों की वेबसाइट में जाके जैसी पूजा आपको करवाना हो वैसी पूजा करवा सकते हो, वहीं से पंडित जी आपको वीडियो कॉल पर देख जाएंगे। मतलब टेक्नोलॉजी की पूरी बात करी गई है, आपको जिस टाइप की पूजा करवानी है उस टाइप की उनको कॉल पर बोल सकते हो, उस टाइप की वो पूजा कर देंगे, आपकी तरफ से प्रसाद चढ़ा देंगे और फिर वो जो प्रसाद रहेगा वो आपके घर पर डिलीवर भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा पूरा दिया हुआ है कि कहीं पर भी कर सकते हो। फिर दिया हुआ है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते तो आप चेक कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हो, ऐसा पूरा इसमें बताया गया है कि कैसे मॉडर्न चीजों के साथ चीजें मतलब चेंज होती जा रही हैं। तो कुल मिलाकर इससे कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब पहले ऐसा होता था कि अगर आपको मंदिर जाना है तो आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा, अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लाइव दर्शन कर सकते हो, आपने सुना होगा लाइव दर्शन आजकल बहुत चलता है, तो ऐसी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और फिर एक और चीज हमारे सामने आती है कि जो हमारे रिचुअल्स होते हैं इनका भी सेकुलर डायमेंशन होता है, भले ही ये सेकुलर गोल की तरफ ना जाते लेकिन इनका डायमेंशन होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि हमारे जितने भी रिचुअल होते हैं ये हमारे मेन एंड वुमेन को मौका देते हैं उन लोगों से मिलने का जो इनसे ऊपर हैं, जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है सोसाइटी में, बड़े बुजुर्ग हो गए या कोई सुपीरियर लोग हो गए, हमें इनसे मिलने का मौका मिलता है। हमारे रिचुअल में सब होते हैं, आपको पता है, हम सबको इन्वाइट करते हैं, उनसे हमें मिलने को मौका मिलता है। साथ ही साथ हमको अपना इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस भी दिखाने का मौका मिलता है। जैसे कि सीधी बात ही हो सकती है, आप कोई भी रिचुअल में जाओगे तो आप महंगे महंगे कपड़े पहन के जाओगे, अपनी ज्वेलरी शो ऑफ करोगे, एक प्रकार से आप शो ऑफ बोल सकते हो, एक प्रकार से आप दिखाना भी बोल सकते हो, बाकी बात वही हुई। तो कुल मिलाकर आपको ये दिखाने का मौका मिलता है, साथ ही साथ आपकी शादी में अगर बहुत सारे VIP लोग आ रहे हैं तो आपकी पूरी एक सोसाइटी में इज्जत बढ़ने लगती है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप मान के चलिए कि आपकी यहाँ शादी हो रही है, बाहर 3-4 बॉडीगार्ड खड़े हो गए, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार खड़ी हो रही है, तो अपने आप सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, अरे भाई कोई दमदार बंदा हमारी सोसाइटी में रहता है। तो ऐसे करके लोकल कम्युनिटी में आपकी इज्जत बढ़ती है। तो कुल मिलाकर बात वही हो रही है कि रिचुअल चीजें हैं लेकिन कहीं ना कहीं अलग डायमेंशन भी ये रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुल मिलाकर बात कर लें कि सेकुलरिज्म आ गया है तो अब रिचुअल वाली चीजें पूरी गायब हो जाएंगी, ये भी हो सकता है कि रिचुअल वाली चीजें इनडायरेक्ट वे में सेकुलरिज्म को और बढ़ा रही हो, ऐसी चीजें सामने आती है। बेसिक कॉन्सेप्ट भले क्लियर ना हो लेकिन इनडायरेक्ट वे में चीजें होती हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा एक ट्रिकी टाइप का है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा समझा रहा हूँ जिसको आपको और क्लियर समझ में आए। वैसे आई होप आपको अभी तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे और बात कर लेते हैं। मेनली अब अगर हम बात करें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, इस पर बहुत ज्यादा डिबेट होती है। तो सबसे पहली बात आती है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के ट्रेडिशन वे में आपने सुना होगा कि इंडिया पूरा एक कास्ट सिस्टम पर चलता था, पूरा रिलीजियस एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ था कास्ट सिस्टम का, उस पर हम चलते थे। हमारे यहाँ प्यूरिटी और पॉल्यूशन जैसे टर्म थे जो बिल्कुल सेंट्रल टर्म थे, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ना इनकी वजह से एक नए फंक्शन आ गए जिनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, आपने इनके बारे में सुना होगा। आज की डेट में कास्ट वाले हो गए, लोअर कास्ट हो गए, अपर कास्ट हो गए, सब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने एसोसिएशन बना के अपनी पूरी भी जितनी डिमांड होती है वो लोगों के सामने रखते हैं, गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। मतलब पूरे कुल मिलाकर वो नहीं रहा कि अपने दबा के रख दिया, अब कास्ट सिस्टम में भी पार्टीज आ गई हैं, चीजें बदल रही हैं, सब अपनी डिमांड सामने रखते हैं। तो कुल मिलाकर रोल चेंज हो गया है। तो ये जो कास्ट का रोल चेंज हो गया है इसको बोला गया है सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। सच अ चेंज रोल ऑफ कास्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट आ सकता है, तो आपको यहाँ सब चीजें ये बतानी पड़ेंगी। एक बार आप इसको पढ़ भी लीजिए तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि हमें क्या क्या उसमें लिखना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये बन सकता है। और आगे बढ़ूँ इसका एक और चीज़ गाइस आपको बोलना चाहता हूँ कि सीधा सीधा हम NCERT लेकर आते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि भैया क्या NCERT भी पढ़ना पड़ेगा, या आपके सामने सीधे NCERT चल रही है, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपको NCERT पढ़ने का भी मूड है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, फिर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, आपको वो चीज़ें पूरी हेल्प करेंगी। अब इसके आगे वाले इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं और फिर आखिरी का जो कुछ बचा है वो देख लेते हैं। तो गाइस हमारे जिस बॉक्स की अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पर दिया गया है कि जब भी हम ऐसे सोचते हैं कि कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच लिंक बिठा के देखें, इनको साथ में लेकर पढ़े, तो हम डर जाते हैं। अब डरने का रीजन क्या है कि जब हम कास्ट और पॉलिटिक्स को देखते हैं साथ में तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है, क्या पॉलिटिक्स के और इन सब के चक्कर में कास्ट कहीं ना कहीं डिसअपियर हो रही है, क्या कास्ट सिस्टम खत्म हो रहा है? लेकिन सिंपल बात यह, इंडिया जैसी एक कंट्री जहाँ पर कास्ट आइडेंटिटी इतने पुराने समय से चल रही है, वो कभी ऐसे गायब नहीं हो सकती।
कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ था और हमेशा ऐसा चलता रहेगा, भले ही अपने शेप चेंज करता रहे। और अगर इसको पूरी तरीके से मिटाना है तो वो धीरे धीरे स्टेप से मिटेगा, ऐसा कभी नहीं है कि कल था और आज खत्म हो गया। तो मेनली ये क्वेश्चन पूछना कि क्या एक हमारा कास्ट सिस्टम खत्म हो रहा है, इससे अच्छा क्वेश्चन ये रहेगा कि हम ये बात करें कि ये जो मॉडर्न पॉलिटिक्स आ रहा है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, इसकी वजह से कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन कि जो हमारा कास्ट सिस्टम चल रहा है इसकी वजह से पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कास्ट की वजह से पॉलिटिक्स में क्या चेंज आए, पॉलिटिक्स की वजह से कास्ट में क्यों चेंज आए, और इनमें बेसिकली चेंज क्यों आ रहा है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। जब हम इन टॉपिक को कवर करेंगे तो हमारे सामने पूरी चीज आ जाती है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि वो लोग जो कि कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स मतलब जातिवाद के विरोध में बात करते हैं, उन लोग ऐसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं जहां पर सोसाइटी ना हो। लेकिन क्या बिना सोसाइटी पॉलिटिक्स एक मतलब पॉसिबल है? हमारी इंडिया जैसी सोसाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ बेसिकली पॉलिटिक्स क्या होता है, एक कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइज होता है, एक ऐसा कंपटीशन होता है जहां पर लोग लड़ते हैं जीतने के लिए ताकि वो कुछ सर्टेन गोल्स को पूरा कर सके, तो उसके लिए लड़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपको ये लड़ाई जीतना है, आपको इस कंपटीशन में उतरना है, तो अगर लोग होना चाहिए, जनता होना चाहिए, तो एक पॉलिटिक वाले लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, अपनी लॉयल्टी लोगों को दिखाते हैं और उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया जैसी सोसाइटी में जहाँ इतनी पॉपुलेशन है, तो आपको एक मास पॉपुलेशन को गेन करना पड़ेगा, तभी आप कुछ एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हो। और हमारे लिए मेनली ये मास पॉपुलेशन कौन फॉर्म करते हैं, हमारे कास्ट ग्रुप। मतलब अगर इंडिया में आपको कुछ करना है तो आपको कास्ट ग्रुप को अपनी तरफ लेना पड़ेगा। तो मेनली हमारे पॉलिटिशियन यही करते हैं, ये कास्ट ग्रुपिंग करते हैं, कास्ट की आइडेंटिटी की ग्रुपिंग करते हैं, उस टाइप के अपने पॉलिटिक्स को फॉर्म करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। इसके बाद ऐसे लोग भी होते हैं जो ये पॉलिटिक्स से इतने जो इतने कास्टिज्म से जुड़े नहीं होते, अलग टाइप के ग्रुप होते हैं, उनको भी अप्रोच करते हैं, उनको भी इनवाइट करते हैं कि आप भी हमारे साथ पॉलिटिक्स में जुड़िए, जो जुड़ता है वो ठीक, जो नहीं जुड़ता वो ठीक, ऐसे करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। तो कुल मिला के हमारे पॉलिटिक्स के चक्कर में कास्ट खत्म नहीं हो रहा है, कास्ट के रूप और चेंज हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है। हमने अभी प्रेशर ग्रुप की बात करी थी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म होते हैं तो और सामने आते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे सामने बात ये आती है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, वैसे कैसे हमारे कास्ट सिस्टम में भी चेंज आएगा, और जैसे जैसे हमारे कास्ट में चेंज आएगा वैसे वैसे पॉलिटिक्स में भी थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। तो दोनों तरफ से थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अब लास्ट में कंक्लूजन थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने पूरा देखा कि कैसे सोशल चेंज हमारे यहाँ मेनली हो रहे थे, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे, पूरा हमने देखा, हमने पैराडॉक्सिकल देखा, अनइंटेंडेड चीजें हमने यहाँ पर पूरी देखी। हमने देखा कि इंडिया के नेशनलिस्ट लोगों का वेस्टर्न आइडिया से कैसे एकदम चीजें चेंज हो रही थी, कैसे मॉडर्निटी हमारे यहाँ आ रही थी, कैसे हमारी पुरानी ट्रेडिशनल चीजों को हम नए तरीके से देख रहे थे, कैसे हमने उनको अलग फिर से अलग तरीके से अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया, उनका सही मीनिंग हम सामने लेकर आए। बहुत सारी चीज रिजेक्ट भी हुई हमने ये देखा, सबने हर चीज एक्सेप्ट नहीं करी। पूरा हमने देखा लोगों की सोच कैसी चेंज हो रही थी, ऐसा पूरा इसमें दिया हुआ है। फिर हमने देखा रिफॉर्म मूवमेंट देखे, इक्वालिटी डेमोक्रेसी का आइडिया देखे, नेशनलिस्ट मूवमेंट का आइडिया देखे, ये पूरा हमने इसमें किया है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर मेनली हमने क्वेश्चनिंग करी है, हमने रीइंटरप्रिटेशन किया है, हमने पूरे मॉडर्निटी को देखा है, वेस्टर्नाइजेशन को देखा है, पूरे हमने संस्कृताइजेशन को देखा है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें देखी हैं। मेनली देखा है कि जब नई नई चीजें हमारी एक सोसाइटी पर आती है तो उसे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, और पूरा एक इम्पैक्ट कैसे चेंज होता है जब आपकी सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग हो, ऐसा पूरा हमने देखा। तो गाइस थोड़ा बड़ा चैप्टर था पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसी तरह इस वीडियो खत्म होती है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, बाकी मैं तुम्हें करूँगा वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड टाइम।